हाय गाइस, चलो देखते हैं। हम लोगों ने करेक्टर का अनरैप किया था, प्रेजेंटेशन करने के लिए हमने दिखाया था। ये मैं उसे फ्रंट में गए, ठीक है। चीज़ों को हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे हमने चीज़ों को किया था, थोड़ा कार्टूनिक था, तो कार्टूनिक लुक में हमने दे भी दिया 4 और 5, ठीक है। फिर लेकिन मुझे, मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लाइक क्या था कि जो स्केच था, स्केच कुछ ऐसे था, तो हमने ऐसी चीज़ों को मैनेज कर लिया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैं ट्विक करूँगा। ट्विक करने का लाइक कुछ टेक्निक आपको मैं बता देता हूँ। आप अगर आपको ट्विक करना है तो सबसे पहला काम देखो, अभी जैसे अगर आपका एनाटॉमी की नॉलेज होगी तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे मैं यहाँ पर बाइसेप्स है, बाइसेप्स बिल्कुल सीधा नजर आया, बाइसेप्स कभी भी सीधा नजर नहीं आता है क्या, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ से सिमेट्री ऑन कर रखी है, ठीक है। दिस वन 1 2 3 ये ऐसे करके सिलेक्ट करके मैं थोड़ा से ट्विस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा मैं टचअप दे रहा हूँ, लाइक एनाटॉमी ये चीज़ को ऐसा हल्का सा मैंने टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा इधर से ये पार्ट ऐसे, और ये देखो ये ध्यान देने के थोड़ा सा ट्विकिंग के जब कैसे करते हैं। ये पार्ट आपने ऐसे किया, ये चीज़ आपने यहाँ पे मैनेज कर दिया, तो ये फ्रंट से आपका हल्का सा ट्राइसेप्स वाला पार्ट भी दिखता है। तो ये पार्ट आपका देखेगा यहाँ टेक्निकली देखो, तो ये जो पार्ट है ना, ये हम लोग देखे तो थोड़ा सा ट्विकिंग वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा था। तो ये पार्ट मैं बस यहाँ पे दिखता है, ठीक है। एजिस में क्या यहाँ पे ये ऐसे में चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे काइंड ऑफ थोड़ा ट्विकिंग कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और हर मॉडल में ट्विकिंग होता है, सिर्फ मॉडल बनाने बाद काम नहीं होता। हाँ, ये काम मैं तो समय के अनरैपिंग की बात कर रहा हूँ, ये भी काम हो सकता है, लेकिन आपको एक टिप्स बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं अनरैपिंग के बाद भी ये चीज़ों को टच कर रहा हूँ। ऐसे मॉडल कंप्लीट होने के बाद अनरैप होता है, और अनरैप के बाद कोई ट्विक नहीं करते हैं। लेकिन अभी ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। तो देखो फोरआर्म्स है, फोरआर्म्स में जो स्केच में था बहुत ही बेसिक सा था, वो बहुत बढ़िया दिखा नहीं। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, जहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा दूंगा, मुझे जो फोरआर्म्स वाला पार्ट है उन चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा सेट किया ये काइंड ऑफ, ठीक है। इधर से मैं थोड़ा सा हल्का सा ट्विक कर रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट ऐसा देखिएगा तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपके यहाँ पर। अब ये इसके अलावा थोड़ा सा एनाटॉमी की नॉलेज की नीड होगी, या आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर चीज़ें देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा एवरेज कर दूंगा, देन थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज भी कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा ट्विक करके बताया तो आपको यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ पे देखा थोड़ा सा ट्विकिंग करना है, ट्विक कर दिया यहाँ पे। यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं साइड में आता हूँ। जैसे मैंने आप देखो अभी, जैसे अभी आप चीज़ों को देखो, जैसे ये मैंने थंब पे देखा, थंब पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को और थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मॉडिफाई जैसे ये डब्लू देख रहे हैं यहाँ पे, अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेफ देना चाहता हूँ। थोड़ा सा कार्टूनिक, थोड़ा सा सेमी रियलिस्टिक, थोड़ा सा मैं काइंड ऑफ ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ। तो मैंने राइट साइड पे गया और मैंने यहाँ से थोड़ा सा पार्टी बाहर निकाला यहाँ पे, ठीक है। ये बाहर निकाला और यहाँ से हम लोग गए दिस वन राइट साइड में गए लिटिल बिट। मैं थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज करता हूँ। थोड़ा सा लुक एंड फील आप यहाँ पर दे सकते हो कि भाई आपका जो शेप्स उन शेप्स को कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये और देन छोटे ट्विक आपको कर लेना है। ट्विकिंग में आपको यहाँ पर थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। इसके सिवाय हैंड के मैंने कुछ और डिटेल में ट्यूटोरियल बना के डाले हैं, 5-6 पार्ट वाला ट्यूटोरियल भी है, उससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं आप थोड़ा सा ट्विक ऐसा कर रहा हूँ ताकि चीज़ देखने में थोड़ा सा बेटर देखें। यहाँ पर मुझे लगता है कि तो बहुत मैं ट्विकिंग कर दूँ यहाँ पर, देखो ये काइंड ऑफ ये ऐसा यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा सा ट्विक करके चलूँ तो मुझे थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखो तो मुझे यहाँ पे सेप्स वगैरह में देखो यहाँ पे, मैं तो उसे इधर टर्न करता हूँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ यहाँ देखो टर्न करना है, यहाँ से मैं बेसिक शेप को देखूँ, बेसिक शेप यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे कर्व यहाँ पर होता तो मैं कर्व को मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो कर्व वाइज चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ तो मैं यहाँ पर काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लाइक दिस, ये इधर से, ये इधर से और ये इधर से आप यहाँ पर ट्विक करके दे सकते हो आप यहाँ पर। तो ऐसा कुछ लगे तो आप ऐसे चीज़ों को मैनेज कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा आपके यहाँ पर। यहाँ से मुझे अगर तो शेप्स को देना था, शेप्स दिख रहे हैं भाई, ये काइंड ऑफ ये शेप मैंने यहाँ दिया, ये शेप मैंने ऐसे दे दिया, तो मैं बस ऐसे भी शेप्स को मैं दिखा सकता हूँ। फ्लफी अगर आपको निकालना है तो वह चीज़ों को आपको ऐसे मैनेज करना है, तो जैसे मैंने स्कल्पटिंग के भी कुछ टूल्स बता रखे होंगे, यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बोलूँगा भाई थोड़ा सा आपको ट्विक कर लेना चाहिए। तो वर्टेक्स देन एवरेज, ये बैलेंस हो जाएगा आपके यहाँ पर। इसके रिलेटेड मैं कुछ एक रेफरेंस भी आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे देखो आप यहाँ पर हमने किया फ्रंट में, ये मैं ऐसा थोड़ा सा जैसे ट्राइसेप दिख रहा है, ये ट्राइसेप हमें दिखना चाहिए, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मैंने प्रोमिनेंट किया। और जैसे मैं आपको थोड़ा सा स्कल्पिंग से भी आपको थोड़ा सा काम दिखाता हूँ यहाँ पे, सेफ राइट क्लिक यहाँ पे स्कल्प पे गए, ठीक है। स्कल्प पे आते हैं यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे बी प्रेस किया तो बी से प्रेस देखा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, एम फॉर स्ट्रेंथ है यहाँ पे, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे देखो ये सिर्फ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही बेसिक और फ्लैट सा नजर आता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे
फ्लफी यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। बेसिक शेप यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ पे तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, मैनुअल नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे तो सब चीज़ों को मैनेज कर दो। देन यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे काइंड ऑफ आप यहाँ पर तो ऐसा देना चाहो तो आप यहाँ से बहुत आप स्कल्पिंग से चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना स्टार्ट करो, यहाँ पे आप काम कर सकते हो। चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे। इसके साथ देखो यहाँ पे, ये अगर आप यहाँ पे देखो स्कल्पिंग में, तो आप यहाँ से तो और सा बेसिक से सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे माया और मड बॉक्स, ये जो मैं स्कल्प करूँ, ये मड बॉक्स का ब्रश है, उसको तो मैं चूहे को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। तो थोड़ा सा मुझे अगर बैलेंस करना पड़े, मैं बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। ये जो एक एरिया देखना है यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने स्कल्प किया, इधर से भी बाहर होता है यहाँ पे, ठीक है, इधर से भी बाहर होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो सेगमेंट्स की कमी है, लेकिन मैं चूहे को ऐसे करके मैं थोड़ा सा प्ले करके दूँ। देखो शिफ्ट प्रेस किया, स्मूथ हो गया। यहाँ पर हम लोग करते हैं स्कल्पिंग, डबल क्लिक करो यहाँ पे, डबल क्लिक करके स्मूथ का स्टैंडर्ड 20, मैंने कहा भाई मुझे 10 चाहिए, ठीक है, 10 से स्मूथ आपका और भी एडजस्ट हो जाएगा। सिर्फ अभी थोड़ा कम एडजस्ट यहाँ पे स्मूथ से दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने तो ऐसा स्कल्प किया, ये पार्ट देखने में यहाँ पे तो मैंने स्मूथ पे हूँ, सिर्फ राइट क्लिक यहाँ पे मैं गया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए स्कल्प ज्योमेट्री टूल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा तो चीज़ों को मैं ऐसे ट्विक करके दूंगा, तो ये चीज़ें ऐसे भी दिखेंगी और ऐसे भी दिखेंगी। यहाँ पे चीज़ों को मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो ये बेसिक मुझे एक आइडिया है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से अप कर दिया यहाँ पे, ये आप इधर से आप यहाँ पर हल्का सा स्मूथ करके ब्लेंड कर देना आप यहाँ पे। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनेज कर दोगे, आपका सब चीज़ थोड़ा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, बेसिक शेप से यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे अभी आप स्कल्पिंग करते हो, जैसे अगर इसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ स्कल्पिंग के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे पेन टेबलेट से यूज़ करते हो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे अगर स्कल्प में काम करना हो तो, ठीक है, मैं यहाँ पे नेगेटिव स्कल्प भी कर सकता हूँ यहाँ पे। एक तरीका और भी है, जैसे अगर आपको मैं दिखाऊँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिवीज़न आप बढ़ा सकते हो, देन सपोज थोड़ा सा मैं अगर ट्विक कर दूँ, मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीड है काम करने की, तो मैं पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज एनफ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओके, स्मूथ मैंने किया। अभी जैसे मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक रेफरेंस भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने सपोज मैंने कुछ रेफरेंस मैंने लिए, कुछ लोगों ने बना के रखे हैं, तो मैंने कहा चलो डू वन थिंग, यहाँ से कुछ रेफरेंसेज मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो थोड़ा ट्विक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नीड नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ कार्टूनी के लिए मैं चाहता हूँ, तो और ऐसे टचअप देने तो बेटर दिखे हैं, जो आपका बेटर दिख सकता है। जैसे मैं पीछे से जाते हैं, एक तरफ से स्टार्ट करता है बैक वाला पार्ट, यहाँ पे देखो बैक वाला पार्ट में अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे शेप्स कैसे ऐसा, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, सेफ राइट क्लिक, यहाँ पे स्कल ज्योमेट्री टूल लिया। स्कल ज्योमेट्री में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रैब, ठीक है। ग्रैब का मतलब क्या होता है, मूव, एक टाइप से मूव आपका ब्रश है, ठीक है। अगर जीवा से तो जीवा से मूव आपका मिलेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये देखो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा शेप्स को आप ऐसे बेसिक शेप्स को आप थोड़ा सा ऐसे टच करके बैलेंस कर सकते हो। आपको थोड़ा सा चीज़ों का देखोगे, ये भी मैंने एक पार्ट दिया भाई, अगर आप ऐसे कुछ करना चाहते हो तो ये आपका हिप का पार्ट यहाँ पे होता है और ऐसी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। तो इसी चीज़ से देखो लुक एंड फील चेंज हो जा रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे यहाँ पे देखो बेसिक शेप्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ठीक है दिस इज़ गुड, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे थोड़ा सा अगर यहाँ पे चीज़ देखो, अब यहाँ से देखो तो मेरे पास शेप्स कैसा है, यहाँ से अगर मैं देखो तो मुझे ये पार्ट मुझे यहाँ से बोन होती है यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट जो आपको यहाँ पे दिखता है। अब देखो मैं स्मूथ कर रहा हूँ, स्मूथ में चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप सिंपल सा पार्ट सेफ राइट क्लिक स्कल्प पे गए, ठीक है। स्कल्प पे जाने के बाद देखो यहाँ पे कुछ ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप बी फॉर ब्रश आप मैनेज करो आप यहाँ पे, आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ये एक लाइन जाती है जहाँ पे सिंपल से जो बोन आपके यहाँ पे लिटिल फिंगर तक आपके यहाँ पे ये यहाँ कॉर्नर तक जाता है आपके यहाँ पे, तो आप ऐसे मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी होना क्या है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे, ये बहुत बढ़िया काम नहीं करा इसने, अब इसने बता दिया कि भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, इसीलिए इसमें सक्सेस नहीं है। आई सजेस्ट कि आप लोग ये काम जो करना है वाला हो, या मड बॉक्स अलग सॉफ्टवेयर में जाके करो या जीबस में करो, उसमें ज़्यादा बेटर है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं पे स्कल्प करने की कोशिश करूँ, लेकिन स्कल्प में बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होने के बावजूद भी, तो अगर मैंने जो है मैंने डिवीज़न दिया है, वो डिवीज़न ना देके मैं ऐसे ही काम कर, देखो यहाँ पे देखना ये बहुत स्लो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, मैंने यहाँ पे वापस गया, यहाँ पे जो डिवीज़न है मेरे पास यहाँ पे स्मूथ का मैंने कर दिया 1 कर दिया यहाँ पे, देखो शायद 1 पे कुछ काम करें यहाँ पे।
देन अगर मैं यहाँ पे अभी मैं स्कल्पिंग पे काम करता हूँ, जैसे मैं तो से स्कल्पिंग किया ना भाई, स्कल्प पे गए वापस, मैंने तो से यहाँ पे दिया भाई मुझे अगर लिटिल भी थोड़ा सा काम करना तो मैं तो और चीज़ों को देखा, यहाँ से मैं लाइक जो बैक का है तो बैक में देखा, बैक के थोड़ा सा मसल्स हैं तो मैं बैक के मसल्स को थोड़ा सा यहाँ पे मैं डील कर सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना तो मैं लिटिल बिट यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, जो मैं नॉर्मली मैं मॉडल में नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ से ईजी हो जाएगा। हमने वैसे मॉडलिंग में बहुत दिया कि भाई मॉडलिंग के अंदर थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दिया, यहाँ पर आप यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, डिस्प्ले पे क्या यहाँ पे होता है सो वायर फ्रेम एंड कहाँ इसमें है ये वायर फ्रेम आप ऑफ़ कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑफ़ करने के बाद आप यहाँ से भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे कहा भाई फॉर टाइमिंग में तो ऑस है अगर काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे तो ऑस लिया भाई, मुझे यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ मुझे दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। वैसे हम लोग यहाँ पे देखें आप ये तो ऐसा पार्ट अगर देखो तो मैं तो ऐसा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं तो ऐसा इधर आता हूँ शिफ्ट होता हूँ, जैसे देखें यहाँ पे अभी ये हल्का सा टर्न एंड ट्विस्ट है, जैसे मैंने उधर से टर्न एंड ट्विस्ट किया, मैं यहाँ पे तो ऐसा मैं मैनेज करके दे सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है। हमारा है कार्टूनिक ही है, हम लोग बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बैलेंस हो जाए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम ये कर सकता हूँ। देखो ये देख रहे हैं ये काइंड ऑफ आप यहाँ से ये, ठीक है, ये आपने दिया यहाँ पे ये पार्ट आपने यहाँ से दिया, ओके। आप यहाँ से सिंपल सा पार्ट आप यहाँ से इसको जैसे देख रहे हैं ये काइंड ऑफ यहाँ तो ब्रॉड होता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो ब्रॉड होता है ना यहाँ पे हमें यहाँ पे ये सामने से देखिए आपके यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे ये बेसिक से शेप हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करते हुए दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे मैंने क्या क्या ग्रैब है, यहाँ पे मैंने स्कल्प लिया, आप यहाँ से आप सिंपल वाई जैसा कट आप कर सकते हो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखना पे ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया और ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दिया, आप यहाँ से आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको ये थोड़ा सा विजुअल होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके यहाँ पे ठीक है आपके यहाँ पे सेफ से, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पटिंग के साथ मैं थोड़ा सा डील कर सकता हूँ। यही काम अगर मैं जाके जीबस में करूँगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, या मडबॉक्स का अलग सेपरेट सॉफ्टवेयर में करूँगा तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे, मैं चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प, यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प किया, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसे देख गया, जो चीज़ मुझे मैनुअल बनाना था वो मैं यहाँ से ऐसे भी करके मैं काम कर सकता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ओके। यहाँ पर मैंने काम कर लिया, चलो यहाँ से मैंने दिया, अभी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें काम करने के लिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ों का मैं मैनेज कर, मेरे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैं कहूँ कि एक कार्टूनिक को मैं कार्टूनिक तक ही रखने वाला हूँ, तो ठीक ना अभी ये तो ऐसा बेसिक शेप है यहाँ पे, तो ये ऐसे स्ट्रिप्स टाइप्स होते हैं थाई के, तो आप यहाँ पे ऐसे भी आप काम कर सकते हो, तो आप यहाँ पे बेटर किया जा सकता है, तो आप चीज़ों को ऐसे भी फुलफिल कर सकते हो। बेसिक बनाने आप यहाँ पे चीज़ों को तो यहाँ पे डिटेलिंग में आप देना चाहो तो दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्मूथ के साथ मैं मैनेज कर दूंगा, आप देखो सेगमेंट्स की कमी के कारण हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके देने, भाई मेरे पास ऐसे भी कुछ पार्ट है तो मैं ऐसे चीज़ों को भी मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप अभी थाई पे देखो ये दिख रहा है मसल्स आपके यहाँ पे दिख रहा है, देन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से बेसिक शेप आपके ये अप होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी करके आप मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, तो ये काइंड ऑफ आप स्कल्पिंग से करो, स्कल्पिंग से करो, मैनुअल से करना है मैनुअल से करो, आप यहाँ चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ आप यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे क्या थोड़ा सा डिवीज़न की कमी है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जा पा रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये आप ऐसे ऐसे आप तो बहुत चीज़ों को ऐसे बैलेंस कर दोगे तो आप यहाँ पे सेफ आपको यहाँ पे देख जाए यहाँ पे, ठीक। यहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ पे पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्टिविटी दूंगा देखो, ओके। तभी यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स आपके यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड करके आप दोगे तो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखें आप ये आपका यहाँ से ये कनेक्टेड आपका यहाँ पे ऐसा होता है। अभी ये सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं मैनुअल तो बहुत टाइम लगता है यहाँ पर, जब मैं स्कल्पिंग में काम करता हूँ तो मुझे स्कल्पिंग में चीज़ें बहुत अच्छे से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, देखो देख रहे हैं काइंड ऑफ ये मैं यहाँ पे दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें तो बेटर दिखेगा यहाँ पे, स्विफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा बैलेंस करके आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। अभी हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं देखो ये सब चीज़ देखिए ये काइंड ऑफ, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दूँ तो बस ये चीज़ें और बेटर देखिएगा। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, हमने अभी फिलहाल में इतनी चीज़ों को रखा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है, हम चीज़ों को देखें अभी देखें अभी ये अगर पार्ट देखें अभी यहाँ पे हमने कुछ हद तक वहाँ पर रेफरेंसेस कुछ ऐसे ही थे तो हमने यहाँ पे चीज़ों को ऐसे ही मैनेज किया। आप यहाँ पे जाओ तो एक आध मसल्स आप यहाँ पे देखो ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे,
या आप यहाँ तो कहिए ऐप कॉलम पार्ट जो आप यहाँ पे करना चाहो तो आप ऐसे ही करके भी आप कनेक्टेड कर सकते हो आप यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं ऐसे करके भी फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इतना ही रहने देंगे। ठीक है, ये देखिए अभी ये काइंड ऑफ ओके, ये चेस्ट वाला पार्ट, आप चेस्ट वाले पार्ट से आप यहाँ पे स्कल्पिंग करके दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप बल्जी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बल्जी आप करना चाहो तो आप बल्जी करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो शेप्स को थोड़ा सा आप टचअप दोगे तो आपके यहाँ पे अच्छे देखेंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से अगर मैं दूँ थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे बस यहाँ पे ये एक बोन होता है, ठीक है, ये बोन आपका सिंपल सा पार्ट आपका यहाँ पे शोल्डर पे जाता है, जिसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखा तो कनेक्टिविटी यहाँ से इधर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैनुअल करते हैं और टाइम लगता है चीज़ों को मैनेज करने में, सेगमेंट्स भी लगते हैं यहाँ पे चीज़ों को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखना यहाँ पे, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट किया यहाँ पे, ये आपका जो पार्ट है यहाँ पे यहाँ से बैक वाला जो पार्ट है, ये बैक वाले पार्ट को मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बैक वाला पार्ट यहाँ से ठीक है ना, ये काइंड ऑफ अब ये देखो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे मैं नॉर्मली स्कल्पिंग से मैं चीज़ों को दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज़ों को मैं यहाँ पे स्कल्पिंग से करूँ तो मैं बस स्कल्पिंग से चीज़ों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मैं बस ये शेप यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें स्विफ्ट एंड स्मूथ, तो ये आपको मसल्स आपको यहाँ से चीज़ों को आप यहाँ पे आराम से दे सकते हो आप यहाँ पे बिफोर ब्रश। ठीक है, हल्का फुल्का आप टचअप आप दे सकते हो, जिसको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करना है, मैं चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इन शेप्स के लिए ये ध्यान रखना ये जो जो लाइन जाती है वो यहाँ से यहाँ तक टिल्टेड रहती है यहाँ पे, तो मेक श्योर ये टिल्टेड ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, तब वो चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा, नहीं तो मज़ा नहीं आने वाला पे। ठीक है, यहाँ से अगर आप किसी चीज़ों को मैनेज करो तो आप यहाँ पे ठीक है, ये मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा मैंने अप कर दिया यहाँ पे, देखो अप करने में हल्का सा स्मूथ कर दूंगा तो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें आपके यहाँ पे बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ओके, ये जो आपका जो शोल्डर वाला पार्ट होता है वो यहाँ से कनेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, ये देखना यहाँ पे ये आपने यहाँ पे किया, मैं अभी क्या करता हूँ मैं जैसे इसमें आपको थोड़ा सा टिप्स देता हूँ। जैसे इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम करने का टेक्निक बता दिया, यहाँ पे मैं बेसिक माया के अंदर बताऊँगा। इसको आने वाले टाइम हम लोग जीबस में भी लेके बहुत डिटेल में स्कल्पिंग कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, ये तो जैसे कि हम आपको ब्रीफ दे रहे हैं कि मेरे पास माया के अंदर भी कुछ ऐसा है जिनके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है अपना जीबीएस का, तो वो लोग इसमें भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आप चीज़ों को कैसे अरेंज करने वाले। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा समय लूँगा स्विफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे मैंने ग्रैब। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से जो फॉर्म्स वाला पार्ट है फॉर्म्स वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा फ्रंट में किया, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज करूँगा। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इमेजेस थे मेरे पास, जो रेफरेंस जो था वो बहुत ही लाइक काइंड ऑफ इसी टाइप से था, तो उसको हमने थोड़ा सा ऐसे लिया, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इधर से इधर भी मैनेज कर देना पे, जब तक ये चीज़ मैनेज नहीं होता तो वो बेटर नहीं दिखने वाला पे। ठीक है, सेफ टर्म्स मोड ये देखें अभी ये काइंड ऑफ इधर से देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लफी है, ये फ्लफी नहीं रहेगा यहाँ पे। मुझे यहाँ से एक चीज़ और मैं यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बस वैक्स है और यहाँ पे एक होता है फ्लैटन, फ्लैटन ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे फ्लैटन देखो ये कहीं पे दो अनवांटेड जो शेप्स हमें बस यहाँ पे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, मैं ऐसे कर फ्लैट करके भी मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ देखो। ठीक है, ये काइंड ऑफ तो लगे कहीं पर मुझे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये आपका एक थोड़ा सा स्कल्पिंग का भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं स्कल्पिंग में अगर काम करने वाला हूँ तो स्कल्पिंग में कैसे काम करूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा बैलेंस करेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे मुझे करना है जैसे मैंने यहाँ पे कहा भाई मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, मैंने कहा स्कल्पिंग में चलते हैं थोड़ा सा स्कल्पिंग में यहाँ पे बिफोर ब्रश, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इधर ये काइंड ऑफ इधर से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया यहाँ पे देखो। ठीक है, ये काइंड ऑफ इधर से आपका थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ। ठीक है, ये आपको ऊपर से ऐसे मसल्स आएगा तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ऐसे भी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके भी हम थोड़ा सा बैलेंस करके तो हमारे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। देखो आप ये आपका जो बेस है ना, ये देखो ये आपने नेगेटिव स्कल्प कर दिया पे, तो ये बेसिक शेप्स आप यहाँ से यहाँ तक आप मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ देखो शेप्स में धीमे धीमे कटिंग कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है हम लोग यहाँ पे। देखो देखना पे जितना आप थोड़ा सा टाइम आप यहाँ पे लगाओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। देखो जैसे मैंने हाथ में थोड़ा सा मैंने चीज़ों को मैनेज किया, देखो अब ये थोड़ा सा फ्लफी नहीं है, हार्ड सा नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कर देना है यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने हल्का सा स्कल्प कर देना, देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं स्मूथनेस, ये आपका आराम से मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो ये स्मूथनेस के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है,
हमारे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो ठीक है ना, ये काइंड ऑफ ये मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दूँगा, तो बस यहाँ पे चीज़ें बेटर हो जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये सब स्कल्पटिंग में ही होने वाला है। देखो देखो ठीक है ना, ये से पेन यहाँ पर दिया, ये से पेन यहाँ पर दिया, यहाँ पर ये तो हम लोग जो टचअप देंगे यहाँ पर, तो टचअप देने से हम चीज़ों को यहाँ से ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। देखो ठीक है ना, ये काइंड ऑफ स्विफ्ट एंड स्मूथ तो ब्लेंड कर सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, तो आप यहाँ से चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा पे। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा आप लोग स्कल्पटिंग में एक बार देख लेना। ठीक है, कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे सेगमेंट्स देख रहे हैं पे, इनको मैं थोड़ा सा जहाँ पे मुझे लगे कि मुझे यहाँ पे नीड है बहुत। अगर देखो आप टाइम दोगे ना किसी भी करेक्टर को बनाने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ टाइम दोगे तो उसमें चीज़ों को और बेटर भी किया जा सकता है पे। ये आप पे डिपेंड करता है कितना टाइम देने वाला आप यहाँ पे। मैंने अभी दिया जस्ट बेसिक्स में, यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। इतना मैंने यहाँ पे काम किया, देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे लगता है कि चीज़ थोड़ा सा चपटी हुई है, तो मैं इनको थोड़ा सा जैसे देखो यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई ग्रैब लिया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा भाई थोड़ा सा इधर से इधर मैं मैनेज कर दूँगा, तो बस यहाँ पे सेफ नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना स्टार्ट करो यहाँ पे, शेप्स को जैसे मैं बस यहाँ पे देख रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी अरेंज करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा जॉइंट निकालना है, तो मैंने जॉइंट यहाँ से निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ये जॉइंट मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो आप इन चीज़ों को ऐसे करके भी मैनेज करके दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स आप यहाँ से मैनेज करोगे तो आपके ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैं चीज़ों को जितना मैं ट्विक करके लेके चलूँ उतना ज़्यादा मेरे पास बेटर है यहाँ पे। ओके, ठीक है ना, ये मैंने ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा होता है क्या, जब कार्टूनिक में होता है, कार्टूनिक में ये चीज़ें सब चलती हैं क्या, कार्टूनिक के अंदर चीज़ों का लेके चलो तो ये कई किसी उंगलियाँ चपटी, किसी का कुछ चपटा, वो सब चीज़ रहेगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्विकिंग आप करना चाहो अपने एंड से, तो चीज़ों को थोड़ा सा बेटर कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, वैसे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो यहाँ सब चीज़ों को कितना बेटर हुआ, आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। ये एक सिंपल सा पार्ट जो मैंने आपको दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो मैं चीज़ों को ऐसे करके भी मैनेज कर दूँगा, स्विफ्ट एंड स्मूथ भी कर दिया, मैनेज भी कर दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें मैं अभी नहीं जा रहा, मैं तो फेस भी बताते हैं। देखो यहाँ पे देखें फेस को, तो हमने क्या किया, देखो ये फेस में बस यहाँ पे बहुत ही अभी एक्सप्रेशन मुझे चेंज करने, देखो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिर्फ राइटली ग्रैब ही है, मैंने कहा चलो ऊपर आ जाऊँ, स्माइलिंग आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से चीज़ों को तो सा मुझे मैनेज करना, देखो यहाँ पे ये मैंने जो दिया यहाँ पे, तो सा जो बेसिक शेप है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेसिक शेप के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यहाँ से थोड़ा सा ऐसे जॉ लाइन को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये मैं थोड़ा सा मैंने कार्टूनिक जैसे ही देखो आप यहाँ पे देखें, बहुत ही पॉइंटेड सा फेस है यहाँ पे। अब इसमें इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है, तो हम लोग उसमें कुछ करने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा शेप्स को मैं देता हूँ, जब भाई मुझे यहाँ पे शेप्स जो चाहिए मुझे यहाँ पे, देखें अभी मुझे थोड़ा सा पॉइंटेड चाहिए, तो मैंने कहा भाई काम करो यहाँ से पॉइंटेड कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, यहाँ से मैंने थोड़ा सा शेप्स को लिया तो मैंने पॉइंटेड कर दिया यहाँ पे। देखें यहाँ पे ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं शेप्स यहाँ पर देखेगा आपके यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ से मैंने वी एंड यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको मैंने देखना पे, ये काइंड ऑफ इधर से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने पार्ट यहाँ पे लिया, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ ये ऐसे। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा स्माइली रखना है, मैं स्माइली रखूँगा, नॉर्मल इसमें रखूँगा यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ये छोटी छोटी ट्विकिंग जो होगी ना वो आपको यहाँ पे चीज़ों को और बेटर बनाएगी यहाँ पे। देखो ठीक है, अब ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने दिया यहाँ पे, यहाँ से जो चीक्स बन वो आपका पार्ट यहाँ से निकलता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पिंग अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, स्कल्पिंग पे गया मैंने क्या किया, ठीक है, ये जॉ लाइन का जो पार्ट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा अगर मैंने लिटिल मैंने स्कल्प कर दिया यहाँ पे, तो मैं बस यहाँ पे स्कल्पिंग चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे क्या होता है, कई स्टूडियो में ऐसा होता है अपने माया में बेसिक बनाया, उसका बाद स्कल्पिंग आप कर रहे हो आप यहाँ पे, तो बेसिक चीज़ों को आप यहाँ पे ऐसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने दिखाया यहाँ पे चीज़ों को, देखा ये काइंड ऑफ मैंने ऐसे दिखाया, चिन्ह वाला पार्ट मैंने ऐसे दिखाया कि चिन्ह वाला पार्ट मैंने यहाँ से फटाफट से चीज़ों को मैं मैनेज कर दें यहाँ पे। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे शेप्स हैं यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं ऐड ऑन करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे यहाँ तो सा मैंने नेगेटिव स्कल्पिंग किया यहाँ पे। ओके, तो ये जो शेप में बस यहाँ पता है ये मैं इधर से मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। अभी रिसेंटली देखो मैंने अभी हनुमान जी का फेस एक डाला है, ठीक है, अब उसे देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई शेप्स को फेस को कैसे बना रहे हैं यहाँ पे, मॉर्फ करके कैसे बना, तो वो एक टेक्निक होती है आपके यहाँ पे, जिन चीज़ों को आप समझ पाए। देखो ये जो ये यहाँ पे ना थोड़ा सा एक पार्ट आपका एक्स्ट्रा निकला होता है यहाँ पे,
अगर मैं रियलिस्टिक में जाऊँगा तो यहाँ पे कार्टूनिंग में वो चीज़ें उतनी ज़्यादा डिफाइन नहीं होती है। तो यहाँ पे ये देखना, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे दोस्त अंदर कर दिया, ये अंदर रहना चाहिए, नीचे वाला पार्ट आपका अंदर रहना चाहिए, ऊपर वाला पार्ट आपका दोस्त बाहर रहना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को ऐसे करके भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तो इन चीज़ों को आप देखो, आप यहाँ देखो, देखना ये काइंड ऑफ अपने स्कल्पटिंग की चीज़ों को मैनेज करते हो। आप यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे मसल्स को आप ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देखना आप ये जो शेप सामने दिया, अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और देता हूँ। जैसे यहाँ पे यहाँ बहुत डिटेल में है, देखो बहुत डिटेल में देखना पे मुझे एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पे चीज़ों को दे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को बहुत उससे निकालूंगा भाई। मुझे ये पार्ट भी मेरे पास यहाँ पे निकलेगा, ये शेप देखना पे, ये काइंड ऑफ ये शेप मुझे यहाँ से निकाल देना पे। तो आप इनको थोड़ा सा ऐसे भी ट्विक करके दिखा सकते हो। मेरे पास ये शेप थोड़ा सा निकला हुआ है, तो ये मैंने थोड़ा सा कर दिया यहाँ पे, यहाँ से शेप्स को तो बहुत यहाँ पे स्कल्पिंग में थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया। तो आप इससे अगर ट्विक करने जा रहे हो तो आप चीज़ों को और बेटर वे में ट्विक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना, ये देखो ये आपका बस यहाँ पे आ रहा है। ठीक, आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपने चीज़ों को दिया, अब बस यहाँ पे चिक्स बोन यहाँ पे देख रहे हैं, चिक्स बोन मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे कनेक्टेड। ठीक है, आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप स्कल्पिंग करोगे तो आपको यहाँ पे चाहिए और दोस्तों बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे। तो स्कल्पिंग के साथ आप चीज़ों को और बेटर वे में मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो स्कल्पिंग आपका यहाँ पे देखिएगा, अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कार्टूनिंग में इतनी ज़्यादा बहुत बारीकी में नहीं होता। मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दिया रियलिस्टिक में, देखा देखें ये आप यहाँ से आप थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करोगे। ये देखो आप यहाँ से थोड़ा सा आपने हल्का सा स्कल्प कर दिया तो ये हमेशा ये हो जाएगा, थोड़ा सा पॉपअप टाइप से हो जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखना, अभी मुझे यहाँ पे देना है तो मैंने अब देखो मुझे थोड़ा सा मुझे आईब्रो वाला पार्ट ऊपर करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बी अंदर यहाँ से मैंने क्या किया एक ही बार में यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा भाई। ये देखो ये देखना ये मैं इसे उठाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया इसको, मैंने यहाँ पे क्या किया मुझे यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्रेशन देना था। देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से चीज़ों को दिखाना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप ऐड ऑन करोगे आपके करेक्टर में डिटेलिंग बढ़ेगा यहाँ पे। और डिटेलिंग बढ़ाने के लिए आपके लिए यहाँ पे चीज़ यही है कि आप चीज़ों को देखो यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये आप चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा मैनेज करोगे। देखो यहाँ पे बेसिक शेप्स आपका बहुत बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये काइंड ऑफ आप जितनी डिटेलिंग में जाओ उतना आपका बेटर दिखने वाला है। तो ये काइंड ऑफ यहाँ पे देखो शेप्स है। अभी देखो ये मैनुअल निकालने में बहुत टाइम लगता है, जो मैंने अभी दो स्कल्प तीन स्कल्प मैंने निकाल दिया, ये मैनुअल निकालने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है भाई, अभी देखो ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से दिया, ये मैंने दिखाया अभी यहाँ से शेप में बस यहाँ पे है, मैंने ये शेप्स को तो यहाँ पे मैंने राउंड कर दिया यहाँ पे। देखना यहाँ पे ये शेप्स को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी ये सब चीज़ें होती है हमारे पास जिसको हम लोग ट्विक करना होता है हमारे पास यहाँ पे। किसी भी चीज़ को हम लोग देख के मैच भी कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे चीज़ों को हमने देखा भाई, मुझे यहाँ पे कुछ काम चाहिए मैंने दिखाया। ठीक है, मुझे कहाँ पे कैसे मसल्स के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने जस्ट एक आइडिया दिया कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी चीज़ का बैलेंस कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जैसे स्कल्पटिंग में देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैं ऐसे दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड, ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया, ये थोड़ा सा हार्ड है मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, फुल एंड फुल स्मूथ मैंने थोड़ा सा बैलेंस किया यहाँ पे, स्मूथ से चीज़ों को बहुत बैलेंस हो सकती है। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा अगर मैं ट्विक करके बता दूँ, देखो यहाँ पे ट्विक करके बताऊँगा तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगे यहाँ पे कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो यहाँ पे। मैंने तो आप देखो प्रोमिनेंट चीज़ों को दिया, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे सेगमेंट्स मांगते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने किया तो सही, देखो यहाँ देखें ये सेगमेंट्स की डिमांड करेगा यहाँ पे। ओके, तो ऐसे आपके पास कई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप चीज़ों को मैनेज करना चाहोगे तो आप मैनेज करके दे सकते हो। ये मैंने दिखाया एफ फॉर फोकस, ठीक है, एक सिंपल से आइडिया दिया कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, चीज़ों को मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो आप अभी मैं जिन चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा मैं काम करने के लिए आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे लगा ना मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे राइट साइड में गया और मैंने क्या किया सेलेक्ट करना मॉडल देन स्कल्प, मुझे यहाँ पे अगर जो लग रहा है कि मैंने क्या किया सेफ राइट क्लिक मैंने किया ग्रैब एंड देन बी से। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना, अब ये यहाँ से सेफ है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसा लगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करना क्या, ठीक है, यहाँ लगे कि भाई मुझे यहाँ पे नीड है तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा वो चीज़, मैं यहाँ से इधर से और यहाँ से भी उन चीज़ों को मैं फुलफ़िल करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। देखो देखें यहाँ पे, तब ये थोड़ा सा आप चीज़ों को बेटर करके दिखाओगे तो आपका थोड़ा सा बेटर दिख जाएगा आपके यहाँ पे।
ओके यहाँ से मैंने थोड़ा सा चीज़ों को सेट कर दिया, फ्रंट में गए, फ्रंट में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चीज़ों का ऐसे बैलेंस कर रखा है, तो यहाँ से भी मैं तो बहुत चीज़ों को यहाँ पर जो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे देखें अभी ये काइंड ऑफ बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे और भी मैनेज करके दिखा सकते हो। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जस्ट ट्विक करके दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ट्विकिंग में थोड़ा सा चीज़ें ऐसे भी दिखेंगी यहाँ पे, अब बैलेंस भी होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ को मैंने ऐड ऑन किया अभी यहाँ पास, देखो यहाँ पे यहाँ पास दिख रहे हैं अभी ये मसल्स वसल्स जो दिख रहे हैं अभी, ये देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मूव है मेरे पास, यहाँ पे सेफ राइट क्लिक यहाँ पे मैंने किया स्कल्प्ट, आप यहाँ पे भी मैनेज करके दिखा सकते हो यहाँ पे ठीक है ना, ये यहाँ से मैंने हल्का फुल्का स्कल्प्ट के देखकर दिखा दिया, तो ये आपको यहाँ पे मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पे, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो ठीक है। यहाँ देखें हल्का फुल्का यदि आपने यहाँ पे देखा ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो यहाँ पे आपको एक बेसिक। अब ये जो स्कल्पिंग है ना यही आपका जो मैनुअल आप निकालने जाओगे माया के अंदर वो पॉसिबल नहीं होगा, आप निकाल के देख लेना ट्राई करना, बहुत टाइम लगेगा अगर निकालोगे भी तो ठीक है ना। अभी ये एक्सटर्नल ऑब्लिक ही होते हैं यहाँ पे देखो, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज भी करके दूँगा, तो आपके यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पे। यह भी देखो था आपके यहाँ पे बैलेंस दिखेगा आपके यहाँ पे ठीक है, ये जो पार्ट होता है समय का ये जो पार्ट होता है ये बाहर की तरफ दिखता है यहाँ पे ठीक है, ये काइंड ऑफ ये हमारा जो पार्ट होता है ये हमारा बाहर की तरफ दिखता है, ये बाहर की तरफ दिखता है और ये अंदर की तरफ दिखता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा जो कार्टूनिंग का थोड़ा सा फॉलो किया था कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना था, उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं ऐसे मैनेज करके दूंगा, तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया जिसको मैंने आपको जस्ट टचअप दिया अभी। देखें तो काफ़ी हद तक चीज़ों को हमने मैनेज किया ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस किया, जहाँ जहाँ पर मुझे लगा कि भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं अगर ऐड ऑन कर दूँ तो मुझे थोड़ा सा बेटर देखेगा आपके यहाँ पे, थोड़ा सा हमने हिप वाले पार्ट पे काम करते हैं यहाँ पे। देखो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है, ये शेप नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ये नॉर्मली अभी थोड़ा सा मैं कहूँ जैसे कि कंपेरिजन पहले से फार बेटर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हाँ थोड़ा सा हम चीज़ों को मैंने मैनेज किया कि भाई यहाँ पे ये सिलुएट्स को आपके यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे काम होगा यहाँ पे ठीक है। ये देखना अभी ये काइंड ऑफ ये बेसिक शेप आपका बस यहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ पे, डिटेल में देखना, डिटेल में और भी मैंने कई करेक्टर पर चीज़ें डाल रखी है, आप वहाँ पर देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई आप कैसे और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जस्ट एक मैंने बेसिक ब्लॉक यहाँ पे और सेट कर दिया कि भाई मुझे ऐसे चीज़ों को मैनेज करना तो मैं काम कर सकता हूँ। अभी एक प्लस पॉइंट और आपको बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया इस वाले मॉडल पे हमने क्या किया है कि हमने इस मॉडल पे जो भी हमने काम किया इसका हम लोगों ने यूवी निकाल रखा है। अभी कई बार ऐसा होता है कि भाई यूवी निकाल रखा तो यूवी में मेरे पास यूवी तो निकाला है लेकिन क्या यूवी ठीक रहेगा, तो मैं यूवी को भी मैं यहाँ पे ठीक कर सकता हूँ ठीक है। 4 and 5 and 6 ठीक है, 5 प्रेस कर देते हैं और चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे। देखो ये पुराने वाली फाइल थी और ये अभी अभी वाली फाइल है। अभी मैं कहूँ जैसे इसमें आपको दिखाऊँ तो मैंने ये दिखाया, ये मेरे पास ये देख रही यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो आप यहाँ पे ठीक है, इससे भी बेटर हो सकता है, चीज़ें बहुत सी बेटर हो सकती हैं। देखो यहाँ पे चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें तो नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत ही फ्लैट सा नज़र आ रहा है। आप चीज़ों को हमने थोड़ा सा मैनेज किया, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हाँ ठीक है अभी फिलहाल में हम लोग इसको ही थोड़ा सा मैनेज करके काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी डिटेल में जाओगे उतना आपके पास चीज़ें दिखेंगी। दूसरी चीज़ें जब मैं इसमें टेक्सचर में और चीज़ में मैं काम करने वाला हूँ, तो टेक्सचरिंग में अगर मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्कल्प्ट किया, देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 6 प्रेस कर रखा है ठीक है, चेकर्स अभी उसके साथ साथ में ही है। अगर मुझे लगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे कहीं कोई नीड है तो मैं एक बार इनको अनफोल्ड भी कर सकता हूँ। और इसके सिवा जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखो मैं अगर यहाँ पे डिवीज़न पे गया स्मूथ पे गया, डिवीज़न को मैंने कर दिया 0 ठीक है, तो अगर 0 देखोगे ना 4 5 यहाँ पे तो भी वही है, और इसको मैंने 1 कर दिया तो भी वही आएगा यहाँ पे ठीक है। तो ये डिवीज़न में हम लोग काम करते हैं, देखो 0 करने पे बेसिक शेप का इंपैक्ट है यहाँ पे, और 1 करने पे वो बेसिक शेप का इंपैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा आपके यहाँ पे, तो वो जाएगा नहीं क्या ठीक है। वो स्मूथ में आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके रखो तो आपको चीज़ें दिखेंगी कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके दिखा सकते हो और चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस हमने यहाँ पे कर लिया है, तो वह डिटेल हम लोग कर लेते हैं सेव, सेवाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे जो मैंने दिया ना पार्ट 10 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, मैंने कहा 11 पे गए और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अभी रेडी फॉर टेक्सचरिंग ठीक है। तो टेक्सचर पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे TEXTURE ठीक है, टेक्सचर पे हम लोग गए। अभी यहाँ से मैं इनका लेआउट ले लेता हूँ यहाँ पे। अभी देखो बहुत अच्छा सा ऑप्शन, बहुत बेसिक सा ऑप्शन आपको बताता हूँ, जब इस ज़्यादा यूवीज होते हैं ना तो इसमें देखने में दिक्कत आती है, पेंट करने में दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको मैंने क्या किया अभी फिलहाल मैंने कर दिया स्मूथ और यहाँ पे डिवीज़न को कर दिया मैंने 0
तो अभी यहाँ पर जब मैं स्नैपशॉट लूँगा तो मुझे यहाँ पर देखेगा, देखो यहाँ पर स्पेस बार देन ये करेक्टर मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ ऑफ़, यहाँ पर चीज़ें मेरे पास यहाँ पर देखेंगी बहुत सी चीज़ें जिसको मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पर। व्हाट वी वॉन्ट देखें यहाँ पे, ये कहीं से कट हुआ था, ये हेयर है ना, अभी इसके अकॉर्डिंग अभी देखो जितने यूवी सीधे उतना तो बढ़िया है, और उसके बाद हमें यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, इस लेआउट को मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे कैमरा का बटन है क्लिक कर देना आप यहाँ पे। अभी मुझे कितने साइज से 2K में चाहिए, 4K में चाहिए, करेक्टर के लिए 2K इज़ एनफ, ठीक है, स्टार्टिंग अच्छा है, 4K भी ले सकते हो 8K भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया JPG, ठीक है। यहाँ से मैं इसे सेव कर सकता हूँ, सेव करने के लिए यहाँ पे गया, ये मेरा स्पॉट है, जैसे मैंने टेक्स्चर का फोल्डर बनाया है ना, तो टेक्स्चर के फोल्डर में यहाँ पे गया, शक्तिमान यहाँ पे गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो काम करना है सीन्स के अंदर ना, यहाँ पे टेक्स्चर के अंदर, मैं यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों का अगर मैं मैनेज करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी जब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कहाँ लेगा, इमेजेस में लेगा यहाँ पे। जैसे मैं अगर इसे सेट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इमेजेस में आएगा, तो मैं इमेजेस में ही जाकर सेव करता हूँ, कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिया SHA शक्तिमान UV, ठीक है, फॉर्मेट सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे JPG है तो एक्सेप्ट एंड क्लोज, ठीक है। तो कंट्रोल एंड स्पेस बार, ओके, क्रॉस चेक कर लिया हम लोग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे गया वापस, राइट क्लिक एंड ओपन विथ, यहाँ पे चलते हैं फोटोशॉप। ये बेसिक आपका फॉर्मूला है जिसको आपको चीज़ों को मैनेज करना है, फटाफट से चीज़ों को मैनेज करें। मैं एक कलर पैटर्न दे देता हूँ, कलर पैटर्न में क्या, जैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करूँ तो मुझे एक एक करके चीज़ों को मुझे यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं चीज़ों को दिखाऊंगा तो मैं एक कलर पैटर्न में इस चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इनको एक चीज़ों को बेक भी कर सकता हूँ। चलो हम लोग करते हैं टेक्सचरिंग, टेक्सचरिंग में काम करना है तो मैं अभी फॉर ए टाइमिंग यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा गेम खेलता हूँ। गेम क्या खेलना है कि मैंने यहाँ पे जो मॉडल है मेरे पास यहाँ पे, इन मॉडल में थोड़ा सा कलर डालता हूँ, ठीक है। कलर डालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं एक एक करके लैम्बर सेलेक्ट करता हूँ, चीज़ों को मैनेज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो एक बेकिंग का प्रोसेस भी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बेकिंग की प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखें। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे हेयर लिया, राइट क्लिक एंड यूवी टू सेल, सेल सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक लैम्बर दिया, लैम्बर दिया कलर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं एक पैटर्न देने वाला हूँ, उस पैटर्न को समझना के, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ये मेरे पास मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर जो मैंने पार्ट दिया यहाँ पे, फेसिस, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टू सेल, ठीक है, राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे मैं फेसिस में कन्वर्ट करता हूँ टू फेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन एक लैम्बर्ट, लैम्बर्ट में यहाँ पे जो कलर देता हूँ, यहाँ पे बस कलर आ जाएगा, जैसे मैंने कर दिया ब्लैक, ठीक है, ब्लैक पे मैंने कलर दिया ऑफ ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया मैंने, यहाँ पे यहाँ से मेरे उस पर पार्ट आ जाएगा, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया यूवी टू सेल, ठीक है। फेसिस है यहाँ तक का, मुझे लगता है यहाँ पे फेसिस है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन लैम्बर्ट, ठीक है। स्कैन, स्किन के लिए मैंने यहाँ पे स्किन कलर दे देते हैं यहाँ पे, तो मुझे सपोज मुझे स्किन कलर चाहिए, तो मैं स्किन कलर में कैसे देने वाला हूँ, ठीक है, और चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर ए टाइम में यहाँ से चीज़ों को बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे स्किन का आ गया, देखो इसके सिवाय मेरे पास और कुछ नहीं है। जो बॉडी पे है, अगर मैं यहाँ पे देखिए, ये आपका मेटलिक है यहाँ पे, ठीक है, टू सेल, ठीक है, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया लैम्बर्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने येलो कर दिया, गोल्ड का है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गोल्ड कर दिया, जीरो कर दिया गोल्ड, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखो मैंने यहाँ पे जो मैंने किया, ठीक है, 4, 5 एंड 6, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन कर लेना है क्या। जैसे देखो मैंने यहाँ पे किया, लेकिन वैसे यहाँ पे वो आया नहीं, टू सेल कंट्रोल प्रेस करना, टू फेसेस, वे वन टू फेसेस, फेसेस पे गए, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे बस स्किन का होगा, तो यहाँ पे जैसे स्किन किया, स्किन आ गया यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे गए, इनको सेलेक्ट कर लेना, टू सेल, ठीक है, टू फेसेस, फेसेस पर जब तक नहीं होगा तब तक वो आने वाला नहीं है। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गया एग्जिस्टिंग पे, यहाँ पे क्या है, स्किन, स्किन हो गया गोल्ड पर, मैंने कर दिया, तो गोल्ड में बस यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। गोल्ड दो वाले हैं, मैंने स्किन जो गोल्ड किया है वो गोल्ड यहाँ पे दूसरा वाला गोल्ड है, कलर वाला, मुझे कलर चाहिए,
इसका अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे जो फेसेस हैं, यहाँ पे यहाँ पर जो फेसेस हैं, शूज वाला पार्ट मैंने इसी में कनेक्ट करके किया। आप चाहो तो इसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल लाइन स्पेस बार, यहाँ से मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से, ये पार्ट आप यहाँ से ले सकते हो आप यहाँ पे। ये का एक्स्ट्रा और उसका इतना कंट्रोल लाइन स्पेस बार देखें आप यहाँ पर, मैं देखूँ तो 4 और 5, ठीक है। ये मुझे अंदर वाली लाइन भी एक लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाली लाइन भी हम लोग लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्या किया, ये काइंड ऑफ इसे डिसलेक्ट कर दिया, तो दिस इज़ गुड, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्शन आराम से ले सकता हूँ, तो लगे कि मुझे यहाँ से कुछ एक पार्ट यहाँ से लेना है, ठीक है। सिमेट्रिकल मैंने ऑन कर रखा है यहाँ पर, मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पर, बस यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल लाइन स्पेस बार, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट मैंने ये लैम्बर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, शू है, SHO शू, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, शू का कलर मैं यहाँ पे लाइक मैंने कहा था यहाँ पे डार्क ब्राउन दे दिया, ठीक है। ये पार्ट मैंने दिया, अभी इतने पार्ट के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे बस ये क्या बचे यहाँ पे, ठीक है। मुझे अगर इसका ऊपर का मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पे क्या करता, सिलेक्शन है मेरे पास यहाँ पे, और मैंने सिर्फ प्रेस करके सिलेक्शन किया था, तो यहाँ पर सिलेक्शन आ रहा है, क्या मुझे डिसलेक्ट करना है, पड़ेगा ये डिसलेक्ट चाहिए, ठीक है। डिसलेक्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे, हेयर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ से कर देखो सिलेक्शन के लिए मेरे पास यहाँ पे ये भी काम करता है, यहाँ पे देखो तो लेसो टूल काम करता है यहाँ पे, कंट्रोल लाइन स्पेस बार, तो आप यहाँ से ये यहाँ से मैंने यहाँ तक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी मुझे स्किन भी नीचे, स्किन का मैंने कलर कर दिया यहाँ पर, है ना। तो ये जितने पार्ट हैं मेरे पास, जो मैं सिलेक्शन में नीचे देखो, अभी मैं बस ये जितने पार्ट हैं उन सब पार्ट में ये पार्ट, अभी ये पार्ट मुझे यहाँ से भी नीचे, है ना। अभी ये जो पार्ट मैंने किया यहाँ पे, इन सारे पार्ट्स को मैंने सिंपल सा पार्ट असाइन किया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट एक लैम्बर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लैम्बर्ट में गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये ऐसा पार्ट, ठीक है। ये मैंने कर दिया क्लॉथ, ठीक है। अब ये सिंपल सा पैटर्न, ये मैंने बेसिक से पैटर्न दिया जो मुझे यहाँ पे चाहिए था, अरे ये बेसिक से पैटर्न आपका आ जाएगा। ये मैंने कर दिया सब पे कलर, ठीक है। अभी जो मेरे पास जो मॉडल है, मैं फिलहाल में जितने भी लेयर हैं इन सभी लेयर को मैं यहाँ पे डिलीट लेयर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे ये डिलीट लेयर यहाँ पे, ओहो देखो यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग पार्ट मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, तो अभी मेरे पास अभी और किसी चीज़ की नीड नहीं है, मैं सबको हटाते रहता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन पे गए और ऑप्शन में यहाँ पर लेयर लेयर जाकर यहाँ पर डिलीट सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड लेयर, ठीक है। सब चला गया यहाँ पे, मुझे अभी इसकी नीड नहीं है। अभी अपने मैं अपने इस फाइल को मैं खाली कर देता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा है मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पर। मेरे पास अभी कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इसके सिवा मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइट यहाँ पर मैंने क्या करेगा, इसको मैंने H4 हाइट कर दिया था, ये मैंने मेजरमेंट में किया H4 हाइट कर दिया यहाँ पर। ये आगे मेरा मॉडल, ये मेरा मॉडल आएगा, अभी इसको मैं यहाँ पे देखूँगा, जो अनवांटेड चीज़ें से डिलीट कर दो। यहाँ से आपको आउटलाइनर क्लीन कर लेना है, आउटलाइनर पे देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर आप यहाँ पर गए। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ से अगर मैं इसका मॉडल पाता हूँ, तो मॉडल मेरे पास यहाँ पर स्मूथ दिख रहा है, ये स्मूथ वाले पार्ट को ही रखना है, इसके सिवा भी कोई हिस्ट्री नज़र आ रही है यहाँ पर। अभी ये इतनी सारी हिस्ट्री में बस नज़र आई, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो वैसे हमें दिक्कत आ सकती है। दिक्कत में क्या आई देखो, देखें यहाँ पर अभी यहाँ से जो मैंने स्मूथ पे काम किया वो स्मूथ में बस यहाँ पर डिविजन यहाँ पर मैंने कर दिया 1, यहाँ देखें यहाँ पर अलग आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब चीज़ों को दिया तो मेरे यहाँ पर चाहिए कुछ अलग से जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 0 कर दिया मैंने यहाँ पर, एडिट पर गए डिलीट हिस्ट्री, ठीक। सब कुछ कदम यहाँ से मैं फाइल को जितने देखो अनवांटेड चीज़ें मेरे पास यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट कर रखा यहाँ पे, ठीक है। एडिट डिलीट हिस्ट्री ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे खाली कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके सिवाय क्या क्या है देखो यहाँ पर, बतेरे ग्रुप में है ना, तो मुझे यहाँ पर ये ही मॉडल में चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चलते हम लोग जब रिगिंग करेंगे तो उस कैरेक्टर में सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए। तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास इसके सिवाय नहीं कुछ और नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखा पॉली क्यूब है, तो कुछ अंदर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सबों को मैंने किया कि मेरे से ये मॉडल ये है, तो मैंने यहाँ से इतने पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, जितने डिलीट हो सकते हैं उन सबों को मैं डिलीट करके मैं दे दूँगा। मेरे पास यहाँ पे अभी चीज़ें कुछ और नहीं होना चाहिए तो मैंने डिलीट किया। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे देखना, जैसे मैंने आई का मॉडल है कुछ और एक वन डू कर देते हैं यहाँ पे, मैंने डिलीट हो गया। मैं अनवॉन्टेड चीज़ है, आई बॉल भी है यहाँ पे, फोर प्रेस करो अंदर में कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो मुझे आई बॉल को डिलीट नहीं करना है यहाँ पे, एक एक करके आप डिलीट करना स्टार्ट करो। वन, ये देखो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, टॉप यू कैन डिलीट इट, डिलीट यहाँ तो क्या समझ में, डिलीट कर दो यहाँ पे, देखो डिलीट कर दो यहाँ पे, देख के डिलीट करना है क्या आपको यहाँ पे, ठीक है। फोर एंड फाइव देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फोर देखें अब ये पार्ट में यहाँ पे क्या, ये आई बॉल है तो नीड है इसकी, है ना, ये क्या, ये आप इसमें जाके देख लो यहाँ पे, तो ये मैंने क्या किया, ये बस कर्व है यहाँ पे, कर्व की नीड है, डिलीट कर दो आप यहाँ पे, पॉली क्यूब डिलीट, ये बस देखना है कि मेरे पास यहाँ पे कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ें डिलीट ना हो जिसकी मुझे नीड हो जाए। एच फोर हाइट ये है मैंने यहाँ पे किया, एच फोर हाइट ये मैंने कर दिया, अंदर के बस यहाँ पे कुछ और है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे ये एच फोर हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अभी इन सब चीज़ की नीड नहीं है, फाइल हमारे पास अनवांटेड हैवी होते जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन एक्स यहाँ पे, अभी हेयर कौन सा है, देखो ये हेयर कौन सा है, ये कुछ और है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ पे। ऐसे आप फाइल भी क्लीन कर सकते हैं यहाँ पे, देखना पे ठीक है, डिस्प्ले शो एंड ऑल, तो मैं अभी इन चीज़ों को देखा यहाँ पे, यहाँ पर मैंने कहा देखो ये बस नीड है, तो मैंने एच फोर हाइट कर रखा यहाँ पे, ये पॉली स्क्वायर यहाँ पे देखना पे, अभी एच फोर हाइट कर दिया, मैं अभी आई बॉल पर हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये देखो दो आई हैं यहाँ पे, तो मैं दोनों आई बॉल के यहाँ पे देखना, ये मैंने नाम दे दिया आई, पी वाई आई, ठीक है। ये कौन सा है, राइट है या लेफ्ट है, अगर मैं वहाँ तो मैंने यहाँ पे राइट आई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे नेमिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आर आई जी एस ए राइट आई, ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट तो मुझे देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे मैंने कर दिया तो लेफ्ट, ठीक है, ये सब मैं काम करके दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो पैटर्न है लेफ्ट आई राइट आई, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मॉडल मैंने कर दिया शक्तिमान कर दिया, एस एच ए शक्ति एम डबल ए एन, है ना, शक्तिमान कर दिया मैंने यहाँ पे। मेरे सभी देखो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिखेंगी यहाँ पे, मैं अनवांटेड चीज़ें को यहाँ पे, तो ग्रुप कौन सा है, ग्रुप में क्या है भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। ये आपकी फाइल जो क्लीन हुआ था, मैं फुट वाइज मैंने मैनेज करा था भाई, 6 फुट का रखा हमारा इसका काम ख़त्म, तो हमने इसको आराम से डिलीट कर सकते हैं। मुझे फाइल को पूरा करना है खाली, ठीक है, यहाँ पे पॉली क्यूब है क्या यहाँ पे, डिलीट करें मैंने यहाँ पे, पॉली सरफेस देख नहीं रहा, डिलीट हो दो। आपको फाइल जब भी आप टेक्सटिंग आर्टिस्ट के पास भेजोगे, अगर आप किसी अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो और टेक्सटिंग आर्टिस्ट के पास अगर आपको फाइल भेजना है, तो ये सब चीज़ आपको खाली करके ही भेजना होगा। देखा पे 1, 2, 3 और 4 जो भी सब कुछ काउंटेड हो, इसकी कोई नहीं है तो आप यहाँ पे डिलीट करो, यहाँ पे रिवर्स करो, जो डिलीट नहीं होने वाला अपने आप मना कर देंगे, तभी जब आपको फाइल नीट एंड क्लीन हो गया आपके यहाँ पे, ठीक है, तभी इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने का मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इस सारे पूरे मॉडल को, जैसे मेरे पास पूरा मॉडल है, अब इस मॉडल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया लेयर पर डाल दिया, ठीक है, इसका नाम मैंने दिया अभी सी ओ एल ओ कलर एस एच ए के टी एस एफ पी मान एन, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ का मैंने मैनेज कर दिया, कलर हो गया यहाँ पे, ठीक है, कलर मैंने यहाँ पे जस्ट येलो कलर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल डी किया, समझना, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको मैंने दूसरे लेयर पे लिया, इसको मैंने ऑफ किया, ठीक है, जो दूसरी लेयर पे है यहाँ पर मैंने ग्रे कलर कर दिया, जी आर ए वाई ग्रे, ठीक है, राइट क्लिक करना साइन, यहाँ पर मैंने क्या किया लैम्बर्ट, अभी समझ में आएगा, यहाँ पर मेरे पास ग्रे है, यहाँ पर मेरे पास कलर है। अभी हम लोग को सिंपल सा पार्ट, एक तो हमारे पास सीन हमने खाली कर लिया, बस सीन खाली हो गया, बस ठीक है, यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पर काम कर दिया, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, चैनल बॉक्स यहाँ पर देखा था, ठीक है, ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। तो दो लेयर मेरे पास यहाँ पर आ गए, चलते हैं हम लोग यहाँ पर रेंडरिंग पर, रेंडरिंग पर गए, रेंडरिंग पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर होता है ट्रांसफॉर्म मैप, ठीक है,
ट्रांसफर मैप को समझो। यहाँ पे ट्रांसफर मैप में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पहला काम जब ट्रांसफर मैप में आप जा रहे हैं कोई मॉडल सिलेक्टेड होना चाहिए। ये सिलेक्ट कर दिया, जैसे मैंने प्ले ऑल कर दिया, ऐड सिलेक्टेड, तो मैं बस ये लूमेस हो गया। ठीक है, सोर्स में मुझे क्या करना है, कलर सोर्स में गए, मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, आ रहे यहाँ पे। अभी नॉर्मली ये मेरे पास ऑटोमेटिक वेक हो जाता है, अदरवाइज अगर आपको लगे कि कभी कोई दिक्कत है तो यहाँ पे देखो ये एक नंबर होता है, 0.1 कर दिया तो चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ लोग यहाँ पे। ओके, ना यहाँ पे क्या, यहाँ पे नंबर देना तो नंबर दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इसको आप देखो कि मैच है, यहाँ पे होता है बोथ कर दो, बोथ में देखो आपको कलर दिखा है यहाँ पे रेड कलर वाला पार्ट आपको ऊपर आ जाएगा। अभी यहाँ से मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मुझे चाहिए डिफ्यूज। ठीक है, लिटरली जो मैंने कलर यहाँ से सेलेक्ट कर असाइन किया, मैं वहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ। कहाँ सेव होने वाला है ये हमने देखा, इमेजेस में सेव होने वाला है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ से मेरे पास फॉर्मेट कौन सा चाहिए, मैंने कर दिया भाई जेपीजी में, फिलहाल मेरा काम चलेगा। टीजी टिफ्ट आ गया, आप हमेशा काम कर सकते हो। साइज़ कितना है, 2048 टैग 2048। ठीक है, लो है मीडियम पर कर देना आप यहाँ पर, देन आप यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर दोगे। एडवांस सेटिंग में भी आपको यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको पहले तो कंट्रोल एंड स्विच बार सब आ जाए। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे टाइम स्लाइडर और रेंज स्लाइडर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेक करूँगा ना यहाँ पे, तो आपको कुछ देखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल बेक एंड क्लोज किया मैंने यहाँ पे, नीचे देखिए यहाँ पे 0 1 यहाँ पे कुछ परसेंटेज नज़र आएगा। तो अगर मुझे लगता है कि कोई भी काम मुझे करना है जिसमें मुझे चीज़ों को एडजस्टमेंट करना है, कलर चाहिए जिसको मुझे यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल नहीं करना, मैं फोटोशॉप में जाके मैं कलर सिलेक्शन नहीं करने वाला, किसी ने आपसे आईडी में मांग दे कि भाई मुझे कलर आप डाल के कोई आईडी दे दो, तो भी आपका काम आने वाला है। आपका कंपोजिटिंग में भी काम आने वाला है, टेक्सचर में भी काम आने वाला है, कलर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको फोटोशॉप में जाने वाला हूँ, फोटोशॉप में मैं टेक्सचर करने वाला हूँ, अभी यहाँ पर मैं प्रॉपर चीज़ों को मैं मैनेज करके कलर फिल करके अपना काम कर सकता हूँ। लेकिन एक तरीका आपका ये भी है कि आप ये चाहो तो आप माया से भी आप चीज़ों को मैनेज करके ले सकते हैं। ठीक है, 28% हो गया, ये मुश्किल से मुझे 1-2 मिनट लेगा, जिसके अंदर आपके चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आप इन चीज़ों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो, इसके अंदर आपको और भी कई चीज़ मिल जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पे चाहिए, अगर मुझे टेक्सचर करना है तो टेक्सचर करने के लिए मुझे यहाँ पे सपोज़ मुझे एयू मैप चाहिए तो एयू मैप कर सकता हूँ, नॉर्मल मैप चाहिए तो नॉर्मल कर सकते हैं यहाँ पे। अभी आप अपने मॉडल को स्मूथ करके भी काम कर सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सिंपल सा पार्ट लिया, लो पॉली मैंने बेक कर दिया, लेकिन जो मैं कलर शक्तिमान जो मैंने किया है उसके अंदर मैं चाहूँ तो उसमें मैं स्मूथ का लेवल दे सकता हूँ, फर्स्ट सेकंड लेवल देके मैं बेक कर लूँगा, तो जो मैं आएगा वो सिलेक्शन में बेटर आएगा। तो मैं वहाँ पे भी चीज़ों को मैं मैनेज करके अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अलग अलग चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, टेक्सचर का एक बेसिक फॉर्मूला आपको यहाँ पर है कि आप यहाँ पर अगर काम कर रहे हो तो मुझे यहाँ पर हर एक पैटर्न पर मुझे काम करना है। जैसे इतने पैटर्न में मैं अगर कोई भी काम करूँ तो मुझे यहाँ पर सिलेक्शन करके लेके चलना पड़ेगा, मेरे पास सिलेक्शन में ये इतना पार्ट है, तो एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ें जैसे यहाँ पर देखो, आप मैं सिलेक्शन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर लेसर है, पॉलीगन है, मैग्नेटिक है, और इसके सिवाय अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ क्विक सिलेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, क्विक सिलेक्शन के अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है, ये पार्ट देखें यहाँ पर, मैजिक भी मेरे पास यहाँ पर काम करने वाला है। आप इसे सिलेक्शन करके आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कंट्रोल जे कर सकते हो, उल्टा आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर उल्टा आएगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर जाके आपको कोई कलर फिल कर देना, जैसे एक ये यहाँ पर आपने कलर फिल कर दिया, प्लस यहाँ पर कर दो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मुझे एक टेक्सचर पैटर्न जो भी देना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास एक पैटर्न वाइज चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे लेना है तो मैंने ओपन विथ कर दिया, बस एक जो मॉडल है उस मॉडल को मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला, तो मुझे यहाँ पे जाने का मुझे यहाँ पे मिलेगा कलर पैटर्न, मुझे यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ से मैंने इस पैटर्न को लिया यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस पर आने के बाद यहाँ से मैंने एक न्यू लेयर लिया और मैंने कलर फिल कर दिया, या फिर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अभी ऑल्ट एंड बैक स्पेस आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी आपके हैंड पे भी यही है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर गया, मुझे हैंड पे भी यही कलर देना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इस लेयर पर गया, मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया था। ये भी तरीके हैं, आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको ग्लव्स है, तो ग्लव्स पे जैसे आप मुझे यहाँ पर देखें, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने, यहाँ पर फिलहाल मैं यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया,
और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, कलर का पैटर्न थोड़ा सा मैंने और उठाया, मैंने भी देखो लिया डार्क कलर लिया पे। ठीक है, डार्क कलर लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें गए और मैंने यहाँ पे जाकर मैंने डार्क कलर फिल कर दिया पे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं देखा वहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे ठीक है, मुझे कंट्रोल डी दिस वन। ठीक है, यहाँ पे जाकर मैंने डार्क कलर फिल कर दिया पे। ठीक है, ऐसे पैटर्न पे मैं काम कर सकता यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे देखा, मेरे अभी यहाँ पे फेस दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे फेस पे गया, फेस से मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पर कलर कैसे दिख रहा है, ये दिखा रहा है फेस का कलर ऐसे दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे फेस के कलर में थोड़ा सा मैं चेंजेस जो भी मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से स्किन टोन में आप यहाँ पे चीज़ों मैनेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पर गया, मैंने स्किन का टोन मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, मैनेजिंग इसमें कर लें। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पर स्किन टोन दे दिया मेरे पास। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे गए, वापस यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने सिलेक्शन लिया, कंट्रोल डी करो, सिलेक्शन लिया, मेरे पास हेयर का कलर कैसा है, तो हेयर का जो पैटर्न है, हम लोग यहाँ पे हेयर का पैटर्न देख रहे हैं, उसमें मैं यहाँ पे क्लिक किया मैंने कंट्रोल प्लस, ओहो कैंसिल करो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस। ठीक है, यहाँ पे हेयर का जो पैटर्न है मुझे यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ऐसा मिल रहा है, जो मैंने हेयर का पैटर्न ऐसा लिया, तो अभी इस पैटर्न को मैं यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता था। यहाँ पर क्या मैंने हेयर का पैटर्न यहाँ पर दिया। ठीक है, अभी यहाँ से मैं वापस आया, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पर, अभी यहाँ पे देखा है कंट्रोल माइनस माइनस, यहाँ पर बेल्ट है, तो जो बेल्ट है इस बेल्ट में ये सेम ही कलर देते हैं भाई। ठीक है, डार्क का एक कॉम्बिनेशन है, तुम लोगों को एक कॉम्बिनेशन में ये देते हैं भाई, मुझे यहाँ पर डार्क का कॉम्बिनेशन है, तो मैंने यहाँ पर दिया, तो मैं चीज़ों को यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक आप चेंजेस और भी किए, मैंने एक जो रेफरेंस को मैंने देख के यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर किया भाई, मुझे कुछ इस वाले पैटर्न पर भी मैंने काम किया। ठीक है, जैसे आप देखें इस वाले पैटर्न पर ये थोड़ा सा हम लोगों ने ये ऐड ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, भाई या तो कुछ एक पार्ट है तो ऐसे करके जैसे कुछ 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 रेफरेंसेज को हम लोगों ने अलग से भी फॉलो किया। जैसे यहाँ पे मैंने किया कि मैंने मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं तो मैंने कलर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने कलर लिया यहाँ पे, मैंने इस पर बेल्ट पे जाके, ठीक है, अब ये जो पार्ट है कंट्रोल डी करो, यहाँ पे और यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये भी मेरे पास एक पैटर्न, मैं ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। एक तरीका आपका ये है, दूसरा तरीका आप यहाँ देखते हैं, आपका कंप्लीट हो गया, ये कलर वाले को ऑफ करो। ठीक है, अभी आपने इसको सेलेक्ट कर दिया 4, 5 एंड 6 करते ही आपके यहाँ पर टेक्सचर देखो ग्रे पे टेक्सचर में आ गया है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ से मैंने क्या किया मटेरियल एट्रीब्यूट पे गए, यहाँ पर मुझे पैटर्न मुझे मिल गया, जो पैटर्न मैंने यहाँ पर दिखाया है, देखें यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मुझे जो चीज़ मिलने वाली वो चीज़ मुझे यहाँ पर प्रॉपर दिखने पर कि मैं यहाँ पर क्या काम करने वाला हूँ। जो भी मैंने पैटर्न दिया वो पैटर्न जो मैंने वहाँ पर किया कलर फिल वो मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे, अगर मैंने कहा भाई मेरे पास इमेजेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे सिंपल दबा शक्तिमान एंड इमेजेस, इमेजेस के अंदर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ आए थे यहाँ पे, ओके, तो ये यहाँ से मैं थोड़ा सा एड्रेस को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे भी अगर आप काम करते हो, आप यहाँ पे फाइल पर अगर सेव एज करके देखो, सेव एज इमेज, ठीक है, तो ये मैं बस यहाँ पे मिल रहा है, ये इमेज कहीं और पहुँचा है तो मैं इसको यहाँ पे रिसेव कर लेता मैंने। ठीक है, तो कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एस एच ए के टी एस शक्ति शक्तिमान कलर सी ओ आर कलर या फिर सी ओ आर, ठीक है, कलर या फिर टेक्सचर आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं यहाँ पे। ये आ गया आपके पास यहाँ पर, राइट क्लिक एंड ओपन विथ। अब देखो इन दोनों में आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखा पे डिफरेंसेस क्या मिल रहा है, अभी यहाँ पर जो मैंने किया इसमें जो किया, अभी यहाँ पर मैं बीच का पार्ट में सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे उसकी नीड नहीं है, है ना, तो मैं सीधे इसमें भी टेक्सचर में काम कर सकता हूँ। तो दो तरीके बताए मैंने आपको, जो सा अच्छा लगे उस पर आप काम कर सकते हो, आपको ये कलर अच्छा लगता है तब इस कलर पर काम कर लो, आपको वो कलर अच्छा लगता है उस कलर पर काम कर लो, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे आया था तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, अभी सारे पैटर्न पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे कलर क्या है चीज़ें क्या है, मैं इस तरह से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे इसे थोड़ा सा टचअप देना पड़ेगा, अगर देखो यहाँ पे अभी क्या तरीका था, एक तरीका आपको ये था इमेजेस में, कहाँ गया मेरे पास इमेजेस, यहाँ 1, 2 एंड 3, ठीक है, जैसे मैंने इसका कि यूवी का तरीका था। अब आप यहाँ पर आते हो, एक बेसिक तरीका ये भी है, जैसे हमने यहाँ पे किया ना ओपन विद यूवीज, तो हम लोग यूवीज पे काम कर रहे, ये हमारे यूवीज ही है ना यहाँ पे, देखो ये यूवी से आप लोग चाहो तो यूवीज पे ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी काम कर सकते हो, अभी आपको यूवीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मैं अपने पैटर्न वाइज चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मैं आपके यहाँ पे चाहिए देखेंगे मैंने यहाँ पे क्या किया,
सिलेक्शन कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न जो मैंने दिया वो पैटर्न मैं यहाँ से ले सकता हूँ, है ना। सिलेक्शन यहाँ पे मैं पे किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ये भी सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे मुझे इस पर सिलेक्शन में देना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे जो भी कलर देना मैं लेके काम कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे दोस्त आपको टचअप देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी इस पार्ट को आप अलग बना लो, तो इस पार्ट में से आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ देखा यहाँ पे, अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इतने ही पार्ट से मैंने सेलेक्ट करके मैं इनके पार्ट को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। तो कुछ बेनिफिट्स भी होंगे और कुछ लॉस भी होंगे। जैसे देखो ये जो पैटर्न मैंने दिया, यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे ये पैटर्न है मेरे पास, यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल डी कर दिया, वी प्रेस कर दिया, सेफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक करना है, फर्स्ट चेक कर ले एक बार यहाँ पे आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे कितना छोटा है, यहाँ देखो यहाँ पे कैसा है, मैंने दिया यहाँ पे कितना छोटा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रॉस चेक किया, ओके, मैंने यहाँ पर जो साइज़ लिया यहाँ पे, इसका साइज़ कैसे पता करें, ठीक है। मैं चीज़ों को एक बार देखूँ यहाँ पे, चीज़ों को कैसे फॉलो कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक एंड इमेज साइज़ मैंने यहाँ पर कर दिया। देखो इमेज साइज़ कितना है मेरे पास यहाँ पे, इमेज साइज़ मेरे पिक्सल पर जाकर देख लें एक बार, बहुत छोटा है ना। तो इन छोटे पैटर्न पर अगर मैं देखूँ, तो छोटे पैटर्न पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे पास यहाँ पर चीज़ें इतने कम में चीज़ें देखेंगे मेरे पास यहाँ पर। अगर यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं देखूँ यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ कैसे दिख रही है, मैंने प्रॉपर्टीज पे गए, रील में गए, ठीक है, और मुझे कुछ और लगे तो मैं यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पर कोई भी काम करें, तो बस यहाँ पर पैटर्न ये दिखेगा, छोटे में दिखेगा, है ना। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, तो मैंने यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर साइज़ लिया, साइज़ पर मैं काम कर सकता हूँ। कई बार साइज में वो बहुत बेटर नहीं दिखता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, अभी देखो मैं माया में काम करता हूँ, मेरे पास माया में थोड़ा टाइम लगता है, ये जो मैंने बेक में किया, बेक में कई बार टाइम लगता है, ठीक है। तो ये एक्सेल की आप शुरुआत कर सकते हो अपने यहाँ पे, आप अगर ऐसा कुछ पैटर्न काम करना तो ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको दो टेक्निक आपको मैंने बता दी यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ, मैंने कहा भाई मेरे पास आई एम कम्फर्टेबल विद दिस, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया, मैंने बेकिंग वाला प्रोसेस भी बता दिया आपको, ये प्रोसेस भी बता दिया, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर काम करते थे। तो मैं ये पार्ट मैंने यहाँ से ऑन कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ गया। कुछ जगह तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप इधर से करो या उधर से करो, वो आपका पैटर्न आपको दिखना ही दिखना है, ठीक है। अभी इसे मैंने यहाँ पे किया, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, ये बस बेस कलर आ गया, फाइल सेवर्स, ठीक है। यहाँ से मैंने किया, मैंने अभी सत्यवान का टेक्सचर स्टार्ट कर दिया, तो बस जो टेक्सचर का काम हो आपको सोर्स इमेज में जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेक्सचर यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं, यहाँ पर TXTUR, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टेक्सचर कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैं काम करूँ, मुझे वापस स्विच करना है, स्विच कहाँ करें, माया के अंदर यहाँ पे गए, राइट क्लिक। अभी देखो मैंने दो मॉडल का काम किया था, मैं दो मॉडल का काम खत्म हो गया, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बताया था। यहाँ देखो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आप डिलीट कर सकते हो, काम खत्म, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। या इसको जैसे मैंने कलर दे दिया, तो मैंने क्या कर दिया, डिलीट लिया, ठीक है। यहाँ पे बस ग्रे है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी यहाँ से मैंने सिंपल से एक पार्ट दिया, मैंने सब पे एक ब्लेन अप्लाई कर रहा हूँ, ब्लेन राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। बाकी मैं इसको आगे मैं बाद में शेडर में कन्वर्ट करूँगा अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, SHA TI WN, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। अब यहाँ पे देखो किसी में ब्लेन किसी में कुछ आने वाला है, बॉडी में जो यहाँ पे साइनिंग है, स्पार्कुलर स्पार्कुलर होता था, मैं मैनेज करूँगा फ्लैट में, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे गए सिंपल फाइल पे गए, और मैंने यहाँ पे सिंपल वो पार्ट मैंने उठा लिया, कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ पे शक्तिमान का, अभी यहाँ पे गए इमेजेस में, हम लोग गए यहाँ पे सोर्स इमेज में, तो मैंने शक्तिमान का टेक्सचर यहाँ पे, तो ये पैटर्न आपने यहाँ पे देख जाए, जो मैंने यहाँ पे पैटर्न वहाँ पर लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पैटर्न आपको देखना है। अभी यहाँ से अगर मैं जाकर मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे UVs का यूज़ भी मैं आपको बताता हूँ, ये UV है, UV को ऊपर लेके आ गए यहाँ पे, यहाँ पे हमने कर दिया स्क्रीन, ठीक है। UV को कर दो लॉक, UV हमेशा लॉक रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे काला बंद कर दिया हमने यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मैं गया सिंपल सा पैटर्न, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहला पार्ट सिलेक्शन कर लो, सिलेक्शन जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको सिलेक्शन में दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल एंड क्लिक, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं सिलेक्शन में काम करूँ, तो मुझे इतने पैटर्न को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर काम चले। जैसे मुझे अगर यहाँ पर काम करना है, देखो ये अलग अलग लेयर का बेनिफिट बताता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पेन टूल पे आप यहाँ पे काम करो, पेन टूल पे आप ले लो, या आप लेसो टूल पे ले लो, ठीक है। पॉलीगन टूल पे भी आप काम करो, तो आपका काम हो जाएगा, क्रिएट अ न्यू लेयर, हमेशा जो भी काम करना है न्यू लेयर पे काम करना है आपको यहाँ पे,
ठीक है भाई। ये यूवी स्वाइज आप यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका काम आसान रहेगा मतलब, ठीक है। कंट्रोल प्लस होगा नहीं होगा अभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करते हो, आप लेके जाओगे तो आपका यहाँ पे काम आसानी से दिखेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न मैंने यहाँ से लिया, ये पैटर्न मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करते रहूँगा यहाँ पे। देन यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेके चलूँगा क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ लेयर मैंने रेडी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर रखा, तो देन मैं पे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए आप ये ऊपर गया फिर वही ऊपर और ऊपर गए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एंड माइनस यहाँ से मैंने कर दिया। ये अभी आज के टाइम में ऐसा भी है कि आप चीज़ों को डायरेक्ट पेंट भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक्स पे लेके चली हूँ, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अभी जैसे मैंने यही काम किया, अभी यहाँ से मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, यहाँ से अगर मैं सिंपल सा पार्ट मैं मास्क कर दिया यहाँ पर, तो इतने पार्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके देखो तो आपका यहाँ पर काम आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पैटर्न आपको यहीं से आपको चीज़ों को मैनेज करना है। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, काम तो मैंने यही किया, अभी ये होने के लिए हो जाने से कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल टी कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ठीक है। आप यहाँ से आप चीज़ों का असली मैनेज करो तो आपका काम हो जाना चाहिए, अगर मैंने सिमेट्रिकल डील कर रखा था, ठीक है। देखना अभी ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने, ठीक है। अगर मैं चीज़ों का ऐसे मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ें भी लिखेंगी। या आप इसका पावट यहाँ पर रखो, एंगल पॉइंट है ना, 2D है तो एंगल पॉइंट, 3D है तो पाइट पॉइंट, पता चले कि दोनों में कन्फ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर सेट कर दिया, यहाँ पर मेरे पास ये काम हो जाएगा। अभी इसको मैं सिर्फ कंट्रोल एस करके देखा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये यहाँ से यहाँ यहाँ, ओके। मेक श्योर कंट्रोल एस कर दो, शायद होता है कि नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर किया और मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर देखूँगा अगर मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, मेरा माँ यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से रिलोड करके देखूँ तो रिलोड में आपका यहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने काम कर दिया, ऐसे ही मुझे यहाँ पर क्या देना है, जैसे मैंने दिखाया भाई, मुझे यहाँ पर स्विच किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोगों ने कलर पैटर्न के लिए कौन सा यूज़ कर रखा है यहाँ पर, ये देखो ये पैटर्न है यहाँ पे, ये पैटर्न अभी ये देखो तो हाथ में ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर पैटर्न को मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस पैटर्न को अगर मैंने यहाँ से थोड़ा सा फॉलो कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ भाई, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे को फुलफिल करना ही है, तो फिर से मैंने एक और न्यू लेयर क्रिएट कर देता हूँ, बाद में एक बार जोड़ दूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपल सा पार्ट, ठीक है, यूवीज को पकड़ना है, यूवीज से आपका काम आसान हो जाएगा। आप यूवीज पर अगर कॉर्नर पॉइंट पर आप लेके चल रहे हो तो आपका काम बहुत ईजी वे में हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा बारीकी से काम करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ। अभी ये पैटर्न क्या, अगर मैं जाकर से सब्सक्राइब करूँ तो मुझे सीधे पेंटिंग कलर ही डाल दूंगा, वो इजी है, 3D में काम करते हैं, लेकिन कई जगह आपको माया फोटोशॉप पर ही काम करना पड़ जाएगा, तो वही पार्ट है। मैं इस चीज़ को उसमें भी आपको गाइड करूँगा, वो एक अलग लेवल पर हम लोग लेके चलेंगे, एक बार मुझे अगर काम करना है तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मास्क कर दिया, बस ऑटोमेटिक यहाँ पर चीज़ आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल टी कर दिया, अभी ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पर करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या एंटर कर देखें यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल यहाँ पर कर देखें, अरे यहाँ पर। तो आपको यहाँ से भी चीज़ों का ऐसे मैनेज करने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस वी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन आप इस चीज़ को ऐसे भी मैनेज करते रहोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा आपके यहाँ, ठीक है। आप चीज़ों को थोड़ा इस टाइप से मैनेज कर दो, आपको बस चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी यहाँ पर। अगर मैंने फिर से कंट्रोल एस कर दिया तो शायद आपके यहाँ पर रिलोडेड करो तो आपके यहाँ पर रिलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये तो हमने कर दिया भाई, मैंने यहाँ पे दिया, इसके बाद मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ जगहों पे जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर चीज़ें हैं, अभी यहाँ पर कुछ पैटर्न को यहाँ पर मैं ऐसे भी दे दूँगा, जैसे मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, जैसे मैंने कुछ टेक्सचर के लिए कुछ इमेजेस मैंने इकट्ठा किए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सोर्स इमेजेस में गए, यहाँ से मैंने कुछ कुछ रेफरेंस के साथ मैंने कुछ टेक्सचर इकट्ठा किया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या गेमर्स यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर टेक्सचर में कुछ चीज़ को मैंने इकट्ठा किया, जैसे ये मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे जैसे ये पैटर्न है तो ओपन विद फोटोशॉप कर दिया मैं, ठीक है। इसके बाद मैं ये पैटर्न लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को ड्रॉ भी कर सकते हो, बना भी सकते हैं यहाँ पर। जैसे मुझे यहाँ पर इन चीज़ों को मुझे मैनेज करना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया,
एडिट में गए और डिफाइन पैटर्न कर दिया पे, ठीक है, डिफाइन ब्रश प्रेशर्स कर सकते हो, डिफाइन पैटर्न करो, ये ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कुछ जगह पे ये काम चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट अ न्यू लेयर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे बी फॉर ब्रश में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने एस फॉर स्टैम्प, यहाँ पे पैटर्न स्टैम्प ब्रश, ठीक है, पैटर्न स्टैम्प ब्रश में जाओ, यहाँ पे मैंने लिया और इसको मैं यहाँ पे बिग ब्रैकेट से चीज़ों को मैं मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ से जो मैं काम कर बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैंने क्रिएट अ न्यू लेयर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पर मेरे पास जो साइज़ है कितना है, मैंने कहा ओके दिस इज गुड, राइट क्लिक, इमेज साइज़ कितना है मेरे पास, यहाँ पर एक्सेल पर गया तो फैक्ट 2K है, मुझे लगता है 2K से मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बहुत जल्दी से कंट्रोल एन कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ से मैं पिक्सल में कर रहा था, पिक्सल मैंने कर दिया, मुझे यहाँ पर जो चाहिए मुझे अप्रॉक्सिमेट 4K 4096 एंड 4096, ठीक है, यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। और देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को इस टाइप से मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, एक पैटर्न जानते क्या, एक पैटर्न में यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मुझे चीज़ों को फिर से मैनेज करके अगर मैं दूँ, देखो ये चीज़ मैं यहाँ पर एडजस्ट करके करने वाला हूँ, ठीक है, यही काम अगर यहाँ पर मैं काम करूँ जस्ट ओवरऑल, अगर मैं थोड़ा सा इसका थोड़ा सा अगर मैं गेम प्ले करूँ, जैसे मैं बस मैंने यहाँ पर क्या किया, माय के अंदर चलते हैं, जैसे मुझे कितने जगह पर पैटर्न चाहिए, मुझे पैटर्न चाहिए वो सिर्फ इतने बॉडी पार्ट में ही चाहिए, ठीक है, तो अभी इतने बॉडी पार्ट में चाहिए तो मैं इसके बम्प में मैं डाल सकता हूँ कि मुझे इतने बॉडी पार्ट में चाहिए, या तो मैं चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके डाल सकता हूँ, या मैं फोटोशॉप में अगर आया तो मुझे फोटोशॉप में अगर मुझे यहाँ पर काम करना है, कोई पैटर्न पर अगर मुझे काम करना है, तो इन पैटर्न में काम करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पर गए, यहाँ से मैंने दिया दिस वन, इसको मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पर वी प्रेस कर दिया एंड शिफ्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग, देखना है, अब यहाँ पे इसे मैक्सिमाइज कर दो, कंट्रोल माइनस कर दो, देखना है बड़ा, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, अब मैंने इसके यहाँ पर क्या छोटा कर दिया, तो मुझे अभी यहाँ से अरेंज करना पड़ रहा है ताकि मैं देखूँ मेरे यहाँ पर किस जगह पे कितना पैटर्न मुझे देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे आकर पैटर्न में देखो तो पैटर्न आपको ऐसे भी दिखेगा, अभी अगर मुझे एक और टेक्स्चर देना है जैसे मैं मुझे कितने जगह पर नहीं देने, देखना है अभी यहाँ से मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं गेम प्ले करता हूँ, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पर एंड सिर्फ कैसे क्या करेगा, इतने पैटर्न पर मैं दे रहा हूँ, मुझे लगता है इतने पैटर्न में इतना स्केलिंग मुझे को लगता है दिस इज गुड, ठीक है, एंड कर दिया मैंने, ठीक है, और मैंने इसके यहाँ पे क्या किया, अभी ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको उठा के यहाँ पे भी लगा दिया, ये दो था मैंने इसके करके देखा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को भी मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को कैसे बैलेंस करता हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको और यहाँ से मैंने कर दिया, ये मैनेज कर देना भाई, ये थोड़ा सा मैच रहे, नहीं तो देखो मैच नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत रहेगा यहाँ पे, दूसरी चीज़ आप जब यहाँ पर मैच करोगे तो आपको सीमलेस भी होता है, ये पैटर्न दिया, अभी इतने पैटर्न पर अगर मैं दिखाऊँ तो मुझे लगता है कि इतने पैटर्न पर मेरे पास यहाँ पर चीज़ें सही आ रही हैं, ठीक है, इसके साथ अगर मुझे लगता है भाई मुझे यहाँ पर हैंड वाले पैटर्न मेरे पास थोड़ा कम हो रहा है तो मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर मुझे इसके लिए करना पड़ेगा, तो अभी इन पैटर्न को मैं पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने 3 पैटर्न लिए, ठीक है, ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर मैं दिया सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, तो इतने में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने मास्क कर दिया, तो मास्क किया ये मेरे पास मास्क आ गया, तो ऊपर वाले पैटर्न में इतना नहीं आया, तो मैं यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से चीज़ों को हटा सकता हूँ, तो मास्किंग का आपका रोल बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक्सप्रेस करो हो सकता है, यहाँ पर आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पर मुझे हैंड पे नहीं चाहिए तो मैंने हैंड पे क्या किया, यहाँ अगले देखता हूँ हैंड पे मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर लिया, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पैटर्न दिया, मुझे लगा कि भाई ये पैटर्न बस यहाँ पे अच्छा काम आ जाएगा, तो ये पैटर्न है जस्ट इसको यहाँ पर दिया, ठीक है, ये पैटर्न बस यहीं पर काम आ रहा है, फिर से मैं अगर यहाँ पर क्या काम करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर क्या कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, यहाँ पर मास्क कर दिया, मास्क हुआ फिर से गया बिफोर ब्रश, ये सब चीज़ आपको एक्सट्रैक्ट करने वाले पैटर्न आपको पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे गए फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो ये पैटर्न मेरे को यहाँ आता है ना, इसको मैंने वी प्रेस कर दिया और मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे सिंपल हैंड पे लेके आना होगा, अभी हैंड पे लेके आना तो हैंड पे ठीक है, ठीक है, हैंड पे ठीक है, अभी हैंड पे यहाँ पे चीज़ों को मुझे मैनेज करना था, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके दिखाऊंगा, जहाँ पर मैंने क्या कर दिया कंट्रोल एंड क्लिक, मैंने इसे भी कर दिया मास्क कर दिया, ठीक है, बी फॉर ब्रश देखो कहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करके देने वाला हूँ, इसमें बहुत ही दिक्कत आती है जब आप चीज़ों को मैनेज करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, क्या लेकिन यही काम अगर आप जाओ सब्सटेंस में
वहाँ पे आपको क्या, वहाँ पे चीज़ें बहुत ईजी है, वहाँ पे आप चीज़ों को बहुत टाइलिंग के साथ मैनेज कर सकते हो। अभी सपोज मैंने कंट्रोल एस कर दिया यहाँ पर, अभी मैंने कंट्रोल एस कर भी दिया तो यहाँ पर कैसा आया, यहाँ पर मैंने रिलोडेड कर दिया पैटर्न में, बस यहाँ पर देखना स्टार्ट। अभी कहीं पे बड़े, अब मुझे लगता है, सिर्फ और छोटे कंट्रोल और बेटर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, समझे पैटर्न। तो मगर यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ और चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पर, ओके। तो मैं चीज़ों को दोस्तों मैं बैलेंस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर ये ऊपर भी आ रहा है तो मुझे यहाँ पर फिर से काम करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मैंने जो स्ट्राइक किया तो मुझे यहाँ पर दिखा भाई मुझे इतने पर ही आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसकी मैं टाइलिंग और भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दूँ तो पहले और बेटर दिखेगा क्या। तो मैंने यहाँ पर इसको भी जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग, और देन मैंने यहाँ पे बिफोर बस, और यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मास्क नहीं कर गए, ओहो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कर लेना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा यही ले रहा है, सही है। बिफोर ब्रश मास्क किया नहीं किया मेरे पास, नीचे सेलेक्ट नहीं किया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक मिनट, ठीक है, देखें एक बार, ओके मैं इसको एक बार फिर से देख लेता हूँ यहाँ पे, मास्किंग पे जो है यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ। कई बार ऐसा भी होते हैं कि भाई मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, तो डिलीट करते हैं मास्क, ठीक है। यहाँ से मैंने कंट्रोल सेलेक्ट करना था यहाँ पे, उसको मैंने मास्क कर दिया, ठीक है। अभी बी फॉर ब्रश, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न को मैं ऐसा हटाता हूँ। अभी ये पैटर्न मैंने किया लेकिन मैं अभी इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। अब मुझे इसमें इतना टाइम लगा अभी मैनेज करने में, लेकिन अगर आप इसमें जाते हो तो इसमें अगर एक तरीका आपका ये भी है, जैसे आपने यहाँ पर इस पर दिया ना, एक पैटर्न आपका ये भी है कि सिर्फ मुझे इतने ही पैटर्न में देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, इस पैटर्न को मैं कर देता हूँ ऑफ, ध्यान से देखने में, एक दो मैं इनको ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है। यहाँ से मिलता है, यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ से ये इसका पार्ट है, ठीक है। यहाँ से मैंने किया, यहाँ से आया था मैंने काम किया, ठीक है। कंट्रोल जी कर दिया ग्रुप और इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब यही पैटर्न तो मैं दूसरे तरीके से डालता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने यहाँ पे जो मैप लिया, मतलब आपको टाइप ऑफ चीज़ें मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे एड्रेस को कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल एस कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट में वापस आ गया मैं माया पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिलोडेड कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं गया बम्प में, ठीक है, बम्प में फाइल पे गए, यहाँ पे बम्प है, इस पर क्लिक कर दिया, मैंने मैप लिया कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ से X7 रेड, ठीक है, देखें यहाँ पे, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने टाइलिंग बढ़ा दिया, यहाँ पे रिपीट यूज है, मैंने कहा 20 टैप 20, देखें यहाँ पे। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे 20 के मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा 30 टैप 30, ठीक है, मैंने कहा नहीं मुझे और चाहिए, मैंने कहा 40 टैप 40। मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, मैनेज किया अगर मैंने तो था नंबर कम थे, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। 0.02 कर दिया मैंने यहाँ पर, दिस इज गुड लुकिंग, गुड, अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्नेक जैसा लगने लगा है, हमें फेस पे नहीं चाहिए, है ना, तो फेस वाले को हम लोग चीज़ को इससे एक्सट्रैक्ट, फेस पे हेयर पे नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं अपने बम्प में डाल रहा हूँ तो चीज़ों को मुझे यहाँ पे डालना है, मैं इन चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। तो जिसमें मैं बम्प डाल रहा हूँ इसके अंदर उस चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर चाहिए थोड़ी बेटर दिखेगा। तो ये एक टेक्निक है, आप इसके थ्रू भी आप चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो, ठीक है। अभी जो सपोज मैंने यहाँ पे, अभी देखो मैंने यहाँ पर बम्प में ही डाला, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी ये बम्प में मेरे पास ओवरऑल पर जा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी जैसे हम लोग जब कैरेक्टर में आते हैं तो कैरेक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पेज को सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने का मतलब, जो मैंने एक लेआउट पे लिया तो मैं काम कर सकता हूँ। अभी यही जो मैप है, इस मैप को मैंने अगर एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर, इतने जगह से मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, बालों से एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो मैं मेरा काम तो हो जाएगा, तो क्या आपका लुक एंड फील आ रहा है बढ़िया। हम चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दे सकते हैं भाई, मैंने अगर कोई भी काम किया तो मैं चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो इसे एक बार देखेंगे फिर हम लोग अभी और आगे कंटिन्यू करते हैं। हाय गाइस, जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम कि कुछ हमने एक सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाया कि ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, लुक वाइज से बहुत बेटर है, तो आप ऐसे कुछ अगर बम्प पे यूज़ करोगे तो आपका काम बहुत अच्छा आएगा, करेंगे इसे, ठीक है। फॉर अ टाइमिंग अभी तो ऐसा चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मटेरियल एट्रीब्यूट पे चलते हैं। मटेरियल एट्रीब्यूट में आप अगर आप आओगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई, हमने यहाँ पे एक कलर और एक हमने बम्प डाला है, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंसेज लिए हैं, तो कुछ रेफरेंसेज के साथ अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है,
ओके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ से गए, ये हमने कुछ रेफरेंसेज लिए, इन रेफरेंसेज में मैंने कहा चलो ऐसा कुछ मुझे फॉलो करना है तो मैं ऐसा कुछ मैनेज कर सकता हूँ। इसके सिवा अगर मुझे लगता है कि भाई मुझे एक पैटर्न वाइज भी चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं कुछ एक पैटर्न ऐसे भी देख के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ पैटर्न है, उन पैटर्न को भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो पैटर्न है, उन पैटर्न को मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो किया जा सकता है। अभी यहाँ से क्या होता है कि कुछ एक चीज़ ऐसा होता है जिसके अंदर मैं टेक्सिंग कर रहा हूँ। टेक्सिंग करने का मतलब जैसे मुझे ऐसा सपोज मुझे एक येलो स्ट्रिप देना है, ठीक है। तो येलो स्ट्रिप मुझे फोटोशॉप में देने में टाइम लगेगा क्या, ठीक है। जैसे मैं फिलहाल में एक लोगो लाता हूँ, जैसे एक लोगो हमने यहाँ पर लिया ओपन विथ फोटोशॉप, ठीक है। ये आपके पास पार्ट आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर देखा मेरे पास यहाँ पर चीज़ें कौन सी है, तो मैं यहाँ पर गया सिंपल था माया के अंदर, तो माया में गए, माया में गए, यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट करो, देन यहाँ से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलेगा कहाँ गया यूवी एडिटिंग, ठीक है। तो अगर आपको याद हो ना, देखो आप फेसेस सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ऐसा कुछ देखना है, तो मुझे इस जगह पे प्लेस करना है, ठीक है। यही काम हम लोग फोटोशॉप में भी जाके देखेंगे, तो फोटोशॉप में मुझे आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्री सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सिलेक्शन है मेरे पास, सिलेक्शन कर सकता हूँ, सेलेक्ट एंड सिमिलर भी होना चाहिए मेरे पास यहाँ पे, या कलर रेंज से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल जे कर दिया, तो मेरे पास शायद ऐसा कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ फिर कंट्रोल जे करता हूँ, तो मैं शायद यहाँ पे लोगो लग गया, लोगो आप बना सकते हो, ठीक है। क्लिक कर रहे यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे, देन इसको मैंने यहाँ पे उठा के लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे साइड में कुछ एक छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है, तो मैंने इसे सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया, तो ये पैटर्न आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमने कहा भाई मुझे यहाँ पे जब चीज़ों को ले रखा है यूवीज, मैंने देखा यूवीज के साथ मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो कुछ पैटर्न को मैंने यहाँ पे दिखाया, ओके दिस इज गुड। वी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, लोगो पे जाके मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे, ओके। तो अगर आप यहाँ पे लगा के देखो तो ये जो लोगो हमने दिया वो कैसा होना चाहिए, चेस्ट के आसपास है यहाँ पे, ठीक है। फॉर टाइमिंग यहाँ पे देखें भाई ऐसा कुछ है, तो मैंने इसको भी और थोड़ा सा ऊपर कर दिया और थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गए कंट्रोल टी कर दिया हल्का सा लिटिल बिट, ठीक है। और देन प्लेसमेंट थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे, ये शायद कुछ ऐसा मुझे नजर आया कि ऊपर की तीन पार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया यूवी ऑफ, यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, और शायद मेरे पास माया के अंदर ये चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, तो लोगो लगते हैं मेरे पास यहाँ पे देखने लगेगा, ओके दिस इज गुड। यहाँ पे मेरे पास पैटर्न देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से मैंने कुछ चीज़ और भी देखा कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक मैंने चेंजेस किए थे यहाँ पे, जैसे देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ये पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, पैटर्न में अगर मैंने दिखाया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पैटर्न को यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एक कलर भी एड ऑन कर रखा है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ठीक है, ये कुछ कलर पे मैंने यहाँ पे लिया, ओके ये शायद मैंने एक सेव कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या जैसे मुझे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक पैटर्न दिया कि भाई मुझे यहाँ पे जो कलर देना था ये मैंने थोड़ा सा एक साइड बाई साइड निकाल के रखा था कि मुझे रेफरेंस में मैं कैसा कलर लेने वाला, जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पे मेरे पास जो कलर थीम था वो ये वाला करेक्टर का मेरे पास कलर थीम था। मैं इसमें भी थोड़ा सा एक R&D भी कर रहा था कि आपको मैं कुछ एक एडवांटेज वाली चीज़ भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करवा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने पे कुछ लेयर भी लिया यहाँ पे, देखो मेरे पास कुछ लेयर है तो मैं लेयर पे आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अपने काम की चीज़ जितना अपने पास काम की चीज़ है उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको ऐसे मैनेज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, मुझे लगता है मुझे इमेजेस को यहाँ पे कलर थीम लेकर यहाँ पे कलर में पिक कर लेता है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने कलर पिक कर दिया, बस एक कलर है, दूसरा कलर मैंने शायद यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। तो बस काम हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे गया, यहाँ पे बस शूज़ में था, तो मैंने यहाँ पे एक लेयर पे मैंने ब्लैक करके देखा है, ठीक है। अभी ब्लैक करके देखने पे यहाँ पे मुझे क्या है, मैंने कंट्रोल जे कर दिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है, BLACK ब्लैक, ठीक है। इसका यूज़ करने वाले लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे गए, अभी कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मेरे पास, ठीक है। कंट्रोल एंड क्लिक करने के बाद मुझे अगर दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लेसो टूल, ये जो मेरे पास पार्ट है इनको मैंने यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना, ये कुछ कम हुआ गया, यहाँ से इतने पार्ट का मैंने लिया, ठीक है, और मैंने कलर फिल कर दिया, ये पैटर्न मेरे पास आ जाएगा। दूसरी चीज़ फेस पे मेरे पास जो कलर था, ठीक है, फेस के लिए मैंने यहाँ पे दिया, तो भाई मुझे फेस में अगर मैं देखो तो मेरे पास यहाँ पे ये स्किन टोन का पार्ट यहाँ पे दे रखा है मेरे पास, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिलहाल में, ठीक है,
यहाँ से मैं चीज़ों को मैं ले सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे जो कलर देना वो ऐसा कुछ दे के दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ से मैंने क्या कर देना है, ये जो पैटर्न है मैंने यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी कलर फिल कर सकता हूँ। ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ गया, ऊपर हेयर वाला पार्ट है, हेयर वाले पार्ट को मैं अगर मैं देखूँ तो मेरे पास हेयर वाले पार्ट में क्या था, मैंने इसको यहाँ पे ये पैटर्न जो दे रखा था सेम चीज़ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ हेयर का पैटर्न मेरे पास ऐसा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हेयर का पैटर्न, तो हेयर के पैटर्न पे ठीक है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया ओके। तो अगर मैंने कहा मेरे पास एक बेसिक पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ गया जिसको मैं चीज़ों को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल एस कर दिया, और कंट्रोल एस करने के बाद मैं वापस आता हूँ माया के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास एक चीज़ मेरे पास यहाँ पर दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ये आपके पास यहाँ पर दिख जाएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे देखिएगा, आपने चीज़ों को मैनेज किया आपके पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल होंगी यहाँ पे। तो सर मैं अभी इन चीज़ पर तो सर मैं काम कर रहा था, जैसे मैं अगर दिखाऊँ मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, बम्प का जो मैंने यहाँ पे क्या किया था, तो मैंने एक बार ब्रेक कनेक्शन कर दिया ताकि मैं बाद में करूँगा यहाँ पे। फिर मैंने कहा ओके, यहाँ पे मैं देखा तो मुझे यहाँ पे तो ऐसा लगा कि अपने जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मैंने लुक एंड फील दिया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं जो फेस में जो मैंने टचअप दिया था ठीक है, वो मैं यहाँ पे सोचूँ कि जैसे ये मैं बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो एजिट जितने होता है वो उसमें चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल द पार्ट, यहाँ पे स्विफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे स्कल जॉइंट टूल, ठीक है, तो मैंने कहा डू वन थिंग, यहाँ से मैंने क्या किया ग्रैब लिया, ग्रैब लेने के बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को हल्का सा एडजस्टमेंट दूंगा, ये थोड़ा सा कर्व मैं दे दूँगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ें और बेटर देखेगा। दूसरी चीज़ें स्विफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने कहा ओके मुझे यहाँ पे चाहिए स्कल जॉइंट टूल यहाँ से, ठीक ना, इसको मैं थोड़ा सा है थोड़ा सा स्कल्प क्योंकि फुला हुआ बनाया था, ऐसा लगा सुसा हुआ आम जैसा ना चिपक गए, बिल्कुल खाने पीने को नहीं मिला, तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ और रिसर्च करता हूँ। कैरेक्टर में जब आपको लगे ना करेक्शन करना है तो कर देना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको नहीं, आपने एक बार बना दिया तो हम उसे चेंज ही नहीं करेंगे, वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा, लाइफ टाइम के लिए होगा। तो आप यहाँ पे स्कल्पिंग करोगे तो ये चीज़ें ऐसे देखिएगा, आज मैं बैठा था तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा तो मुझे ऐसा कुछ चेंज करना है, तो मैं कहता हूँ दिस इज़ गुड, ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपके यहाँ पे, तो फिर मैंने कहा ठीक है, ये जो लाइन था सेफ राइट क्लिक ग्रैब पे गए, तो मैंने कहा थोड़ा सा अभी मैं इसको, अभी देखो मैं यहाँ पे इतने चेंजेस कर रहा हूँ सेफ प्रेस करके, यहाँ पे इतने जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है, जो उसमें टेक्सिंग की टेक्निक जो यूज़ करने वाला हूँ वो ऐसा करने वाला हूँ जिसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं दिख रहा है अभी, थोड़ा सा बेटर नज़र आएगा। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करना, चीज़ों का मैनेज करना ताकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ नज़र आए। ठीक है, अभी धीमे धीमे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा कि भाई मैं यहाँ पे जो भी कोई काम कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ ऐसी चाहिए, और देन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जॉ लाइन सॉलिड चाहिए, जॉ लाइन सॉलिड करने के लिए यहाँ पे क्या आती है स्कल जॉइंट पे गए, और मैंने यहाँ पे क्या किया ये यहाँ से मैंने ये निकाल दिया यहाँ पे, टेक्निकली ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, ये थोड़ा सा ब्रॉड मैं कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ ताकि मैं उस चीज़ को थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे, देखो इन सब चीज़ों का देखो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, अभी पहले से और बेटर दिखेगा। तो फाइल को भी कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, बेसिक देखो तो बेसिक हमने कलर पैटर्न दिए भाई, शक्तिमान का कलर पैटर्न यही है। ठीक है, अभी जैसे इसमें मैंने बताया कि भाई मुझे इसके अंदर एक पैटर्न और देना है जिसके अंदर मुझे कलर पेंट करना हो। ठीक है, तो फाइल को मैंने कर दिया सेव। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेंडरिंग। ठीक है, लेकिन इससे पहले जैसे मैंने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे रेंडरिंग का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ये आता है, आप डायरेक्ट आप पेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, कलर पे गए, कलर पे जाते ही हमने यहाँ पे कलर पिक कर दिया, मैच कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पेंट है आपका, सबसे पहले पार्ट क्या होगा, आप जब भी यहाँ पे कोई भी काम करोगे यहाँ पे आपको, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, ओहो ये तो खतरनाक ऐड ऑन हो गया, यहाँ पे यहाँ ऐड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या असाइन टेक्सचर है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने असाइन टेक्सचर किया, असाइन टेक्सचर कर दिया, मैंने कहा भाई 2K है, 2K कर दिया असाइन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या, जब भी जब तक ये प्रोजेक्ट में चीज़ों को नहीं करेंगे ये पहले से यहाँ पर असाइन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, राइट क्लिक असाइन और लैम्बर्ट कर दिया। ठीक है, आ गया, अभी अगर मैं इसे मैं मैनेज करूँ तो बस यहाँ पर अब असाइन करेगा यहाँ पर। ठीक है, असाइन आ गया, आपको ये पैटर्न बता देगा, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे
कहाँ पे गया, किधर गया, वो आपको भी पैटर्न बता देगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पैटर्न है मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग पेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम टेक्सचर में दिख रहा है, हम लोग गए यहाँ पे स्ट्रोक्स में गए, यहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी बी फॉर ब्रश, ब्रश से अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। देन आप यहाँ से देखो, देखें अभी मैं यहाँ पे करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे क्या पेंट करना है, पहले मैंने कर दिया पेंट, पेंट पे आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। अब पेंट पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया जैसे मुझे यहाँ पे जो येलो कलर फॉर टाइमिंग आ रहे, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, अंडू किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये पैटर्न मैं यूज कर रहा हूँ डिस्प्ले, ठीक है। तो ओके देख रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे मुझे अगर कोई पैटर्न देना है, जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे आपको ये पैटर्न है, यहाँ से वैसे ये अलग सा पार्ट है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा मैं पैटर्न चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये एक पैटर्न मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसे, ठीक है, मैं ये यूजली मैं सिंपल सा पार्ट में ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। अब ये मैं पैटर्न मैं पेंट करने जाऊँगा तो मुझे टाइम लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने के, जैसे मैं अगर मैं काम करूँ मैं फाइल टेक्सचर कलर पे काम करूँ, तो ये कलर पे आपको दिखेगा, आपको दिखा, ठीक है। ये कलर पैटर्न आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट, कि आप ऐसे कलर पेंट करके मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। आप मॉडल के अंदर ही पेंट कर सकते हो, आपको नीड नहीं है फोटोशॉप में जाने की, अगर आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है। मैंने आपको दोनों तरीके बताया कि भाई आपको अगर ऐसा कुछ काम करना है तो आप ऐसे भी कुछ काम कर सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न है इसके अंदर चीज़ों का, आप देखो यहाँ पे आप दिखा रहे हो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ दिखा, अभी ये काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे फॉर टाइमिंग ये मैंने यहाँ से कर दिया, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो ऐसे करके आप पेंट करके दे सकते हो, आपका सारे पेंट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ों का अगर मैनेज करके देते हो तो आपके सारे चीज़ देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ऑपेसिटी है, ऑपेसिटी में कितना काम करने वाले हो, चीज़ों को कैसे बैलेंस करने वाले हो, ठीक है। इसके साथ आपको जो मैंने कलर पेंट किया, आप सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो, कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसे भी चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, हेयर पे गया, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कि मुझे यहाँ पे हेयर पे ये इसी का थोड़ा सा सपोज, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास काम है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक आइडिया दे देता आपको यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया मिले। रिफ्लेक्शन को आपने ऑफ कर दिया आपने, ठीक है, आप यहाँ पे गए और आपने बी से साइज छोटा कर दिया। आप यहाँ पे नॉर्मली हेयर पेंट भी आप कर सकते हो, आप यहाँ पे हेयर ये पेंट करना आपने स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप। तो आप यहाँ से भी चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो चीज़ों को फुलफिल हो जाएगा क्या, ओके। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप मैनेज करने वाले हो तो आप यहाँ से मैनुअली आप पेंट करके दिखाओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम दिखेगा। तो आप ऐसे भी करके आप पेंट करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर बैलेंस करने वाला हूँ तो चीज़ों को मैं किस टाइप से फुलफिल करके दूंगा यहाँ पे। ये शेप मेरे पास यहाँ पे ऐसे हैं तो, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को फुलफिल करूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ दिखेंगे, ठीक है। ये काइंड ऑफ आपको यहाँ से पैटर्न्स आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा आपके यहाँ पे, कि भाई मैंने यहाँ पे जो काम किया ये ऐसे ये, ठीक है। तो ये ऐसे भी मैं ड्रॉ करके दे सकता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। व्हाट आई वांट कि आप पेन टेबलेट यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप ऐसे पेंट करके दिखा सकते हो। जैसे मैंने आपको हैंड पेंट टेक्सचर वाला प्रोसेस बताया था, आप वैसे भी इसमें भी चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो ये आप यहाँ से पैटर्न्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा फुलफिल करके आप दिखाओगे, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगे। देखो तो अभी देखो ये नॉर्मल से आपको देखो पैटर्न देखो तो आपको यहाँ पर आइडिया मिल रहा हो कि भाई अगर मुझे कोई भी चीज़ पेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर सेव टेक्सचर होता है, सेव टेक्सचर में देखो तो आपको यहाँ पर सेव टेक्सचर आ गया, और ये सेव टेक्सचर आपको दिख रहा है, सेव टेक्सचर आपके कहाँ पे सी डब्ल्यू मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, ठीक है, और ये माया के प्रोजेक्ट में है, एक बार जाके देख लें, सी यूजर डॉक्यूमेंट माया प्रोजेक्ट डिफॉल्ट में दिख रहा है। तो एक बार जस्ट जाके क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देखो ये मेरे पास पैटर्न आ गया, ये जो सेव किया था मैंने यहाँ पे वो चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल गया, देखो ठीक है ना, ये मैंने अभी नॉर्मली पेंट किया। अभी इसी को जाके अगर मैं जाके मैं सिंपल जाता हूँ फोटोशॉप पे गया, फोटोशॉप पे जाके अगर मुझे पैटर्न पे यहाँ पे देना है, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, वी प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो आपके पास ये पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसे आराम से स्क्रीन मल्टीप्लाई या जो भी आप मैनेज करने वालों, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे
ये देखो पैटर्न आपको दिखा है, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है और कैसे है। इसी में से मुझे कोई चीज़ अगर मुझे लगता है कि एक्सट्रैक्ट करके दे देना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, हार्ड लाइट पे गया, हार्ड लाइट पे बस वो चीज़ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी जाकर मैंने इसको यहाँ पे सिंपल सेव कर दिया कंट्रोल एस, ओके। वापस आता हूँ मैं माया के अंदर, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे जो मैंने टेक्सचर पेंट किया, जैसे मैंने राइट क्लिक असाइन, यहाँ पे शायद मैंने एक नाम दिया हो शक्तिमान, तो यहाँ देखो आपका सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ गई। तो आप डायरेक्ट पेंट ऐसे भी कर सकते हो, टेक्सचरिंग का काम बहुत आसान हो सकता है यहाँ पे। इसके सिवा जैसे हमने यहाँ पे लिया ना, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ये मैं नॉर्मल पे गया, ठीक है। नॉर्मल पे जाने के बाद मुझे सेम चीज़ सिलेक्शन पे गया, यहाँ पे सिलेक्शन लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट पे गए, सिलेक्ट सिमिलर हो गया यहाँ पे। कलर मैंने जो लेना है, मैं यहाँ पे सिंपल था पार्ट, एक सिंपल था, इसी में फिल करके मैंने दिया, मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया, तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमें कहाँ गया, हार्ड लाइट है, हार्ड लाइट में आप देख जाके देख सकते हो। देन तो वो चीज़ों का आपको लगे कि कुछ एडजस्टमेंट करना है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस कर दो तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे चीज़ और बेटर आपको दिख जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके मटेरियल एट्रीब्यूट पे गए, आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो। तो आप यहाँ पे रिलोडेड करोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। तो ऐसे पैटर्न में भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे दिखाना हो, ठीक है। इसी के साथ आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा मास्किंग के साथ में डील करना हो, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इरेज करना हो, तो मैं ऐसे भी करके चीज़ों को मैं बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। मुझे रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं यहाँ पे जाके मैं सिंपल सा पार्ट राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर दूंगा, तो मैं सैंपल चीज़ आ जाएंगी। मेक श्योर आपका प्रोजेक्ट बना होना चाहिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। एक प्रोसेस बताया मैंने यहाँ पे, आप चीज़ों कैसे फुलफिल करके दिखा सकते हैं। हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग में हम लोग देखा था, जैसे हमने बेसिक एक हमने कलर पैटर्न डाल दिया, चीज़ों को मैनेज कर दिया। मुझे इसके अंदर हेक्सागन चाहिए था, तो मैंने इसके लिए एक प्रोसेस एक और यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मॉडल लिया, मॉडल के दो कॉपी कर लिए, दो कॉपी में देख लो एक बार यहाँ पे क्या। एक के अंदर मैंने यहाँ पे जो ये सिंपल सा बात मटेरियल मैंने डाला है, सिंपल लैम्बर्ड या सिंपल मैंने डिफ्यूज में डाला था, यहाँ पे मैंने पैटर्न लिया, ठीक है। टेक्सचर में बस यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ये टेक्सचर आपको मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। ये हेक्सा ग्रिड करके है, तो इसका मैंने जो पैटर्न जो टाइलिंग दिया है वो कर दिया 40 एंड 40, ठीक है। एक में पैटर्न किया, मैंने पिछले वाले क्लासेस में भी ये चीज़ दिखाया है कि कैसे क्या काम करते हैं, ओके। यहाँ पे एक इसी का मैंने डुप्लीकेट मॉडल लिया है, डुप्लीकेट मॉडल में यहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ये जैसे अभी मैंने इसे ब्रेक करके देखा था तो ये सही आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको दिखा दूँ। जैसे देखो ब्रेक कनेक्शन ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल एक लैम्बर डाल दिया, तो एक में सिंपल लैम्बर है, दूसरे में आपका टेक्सचर है, ठीक है। अभी हमें बेक करना है, बेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं चीज़ों को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे स्विच करेंगे रेंडरिंग, रेंडरिंग के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर मैप, ट्रांसफर मैप में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ट्रांसफर मैप के अंदर अगर मैं देखूँगा तो मेरे पास जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स हम लोग बाद में डालेंगे। ये मेरे ग्रे वाला है, ग्रे वाला मैंने यहाँ पे ऐड करना है ऊपर में, ठीक है। वैसे सेलेक्टेड ऐड हो जाता है, ऐड कर लेना यहाँ पे, ओके। इसका जो टेक्सचर वाला पैटर्न, टेक्सचर वाला पैटर्न हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं डिफ्यूज़, ये मैप रिमूव कर देना, डिफ्यूज़ पे गए, ठीक है। डिफ्यूज़ में जाके आपको जो फॉर्मेट चाहिए, मैंने जैसे सपोज जेपीजी कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे साइज़ जो होगा 2K कर दिया, 2K यहाँ पे कर दिया, एंड बैक एंड क्लोज कर दिया। यहाँ पे पाथ दे देना जो भी आपका पाथ है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया H, एंड यहाँ पे क्या कर दिया बम्प के नाम से BUMP बम्प, ठीक है। ये फॉर्मेट मैंने जेपीजी नहीं किया, जेपीजी कर लेना, ठीक है, जो भी, ठीक है। यहाँ पे H एंड BUMP बम, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कर रखा, ये बस यहाँ पे आ जाएगा, मैंने बंद कर दिया, सेव कर दिया। तो मैं ऐसे बेक कर सकता हूँ, बेक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा जो यहाँ से बेकिंग होता है नज़र आ रहा है। ये प्रोसेस हम लोग फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करने का एक रीज़न है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा पैटर्न, ये यहाँ पे किया, एडिट में गए, ये डिफाइन ब्रश होता है, डिफाइन पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न कर रखा है, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जैसे इस लेयर पे गए, इस लेयर पे जैसे एक सिंपल सा पार्ट क्लिक किया यहाँ पे, पैटर्न लिया पे, पैटर्न में जाके यहाँ से हम चीज़ों को मैनेज करना चाहते हो मैनेज कर दिया, क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये भी हम लोग कर सकते हैं, स्केलिंग में जाके मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि मैंने 20 करना है तो 20 में सही आ रहा है या 30 में सही आ रहा है, बात समझोगे नहीं। ये ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा, तो ये भी प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं, आपको जिसमें बैटर लगे उसमें कर लो। मैंने उसमें इसलिए किया ताकि मुझे वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि मुझे आके जाके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पूरा पैटर्न हो गया, इस पैटर्न के साथ हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने विंडो डी कर दिया, मेरे पास जो एक इमेज जो मैं बेक कर रहा हूँ, एक अभी चल रहा है, एक मैंने बेक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल में गया, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, और जस्ट गो टू इन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में गए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे H बम्प के नाम से दे रखा है यहाँ पे,
यहाँ पे दिस वन, ये मेरे पास काम कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो बम्प है, बम्प के अंदर मुझे कहाँ पे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे बम्प के लिए मैंने कुछ एक पैटर्न बना के रखा है, जैसे इसका मैं सिलेक्शन कर दूँगा, मुझे यहाँ इस वाले एरिया पर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर दूँगा। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन आपको समझना पड़ेगा कि किस जगह पर चाहिए किस जगह पर नहीं चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने ऐसे मास्क करके रखा हुआ है, आप ब्लैक एंड वाइट कर दोगे, फोर्स में ब्लैक एंड वाइट करना आता है। ठीक है, जिस जगह पर चाहिए उस जगह पर रखेंगे, जिस जगह पर नीचे उस जगह पर हम लोग वो चीज़ हटा देंगे। ठीक है, तो वी प्रेस कर दिया, शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, यहाँ पर अभी देखो जिस जगह पर चाहिए मैंने पहले से मास्क करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको कलर डालना है और पैटर्न वाइज सब चीज़ों को मैनेज कर दोगे। तो मुझे लाइक बॉडी पे चाहिए, हैंड पे चाहिए, इतने पैटर्न पे चाहिए, बाकी जगह पे नहीं चाहिए। तो बाकी जगह पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने एज इट इज़ बम्प में दिखा दिया। देखो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसको मैं अगर देखूँ, यहाँ पे मैंने स्क्रीन कर दिया, तो स्क्रीन में कैसे दिखना है देखना है आप, इसको सिंपल सा पार्ट ये आप ब्लेंड मोड पे देखो, ब्लेंड मोड देख रहे हैं, कलर वन पे देख रहे हैं, कलर वन पे भी काम करेगा और स्क्रीन बहुत बेटर नहीं है। ठीक है, ओवरले पे ऐसा कुछ दिख रहा है, सॉफ्ट लाइट एंड हार्ड लाइट, हार्ड लाइट पे भी आप यहाँ पे काम करने वाले हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे। अब जो सपोज मैं यहाँ पे अगर मैं दे दूँ, यहाँ पे मुझे अगर चीज़ों को मैनेज करना पड़े तो मैं अगर यहाँ पे फाइल सेव एज ऐसे मैंने कर दिया, मुझे बॉडी पे बम चाहिए तो मैंने जेपीजी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ से सेव को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे ये वाला बम वाला पार्ट चाहिए तो मैंने यहाँ पे पैटर्न बना लिया। याद रखना गेमिंग के अंदर पूरा यूज़ होने वाला है, गेमिंग के अंदर भी आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अभी जैसे मेरे पास ऐसा चाहिए कि शक्ति मान, ठीक है, बम। ठीक है, बम टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। हम लोग यूजुअली बनाएंगे TGA टिफ टारगा, JPG लास्ट ऑप्शन होता है, स्टूडियो में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन मैं JPG आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिख सकें आप टिफ टारगा में ही आप काम करने वाले हो तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ वापस, मुझे चाहिए यहाँ पे सिंपल। अभी देखो यहाँ से एक पैटर्न आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे बम को दिखाना है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे यूज़ करके दिखाया। ठीक है, मैं फाइल को ओपन करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो इसलिए मैंने फाइल खोल रखी है, तो सेव कर दिया मैंने पे। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ से मैंने बम्प को कर दिया फॉर ए टाइमिंग ब्रेक कनेक्शन। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा पैटर्न आपको देखें लाइनें नजर आ रही हैं, ये चीज़ काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। 3D पेंट के अंदर क्या होता है, जैसे आपको 3D पेंट करना था, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर लेते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, चीज़ों को मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी ये पेंट में जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लोन होता है यहाँ पे। ठीक है, पेंट है, इरेजर है, क्लोन है, क्लोन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी क्लोन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, सेट क्लोन सोर्सेज, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ऑल्ट प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक और भी ऑप्शन आपको मिलता है जो मैं यूजुअली मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, देखो देखें यहाँ पे ये जा रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसे करके पेंट कर सकते हो। तो मैं आपको तो थोड़ा ही दे दूँगा, स्ट्रोक्स पे गए, स्ट्रोक्स में रिफ्लेक्शन होता है मिरर की जगह। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कि ये सिलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे पेंट कर लूँगा। तो ये ध्यान देना, कई लोग इसे छोड़ के निकल जाते हैं, भाई चलो हमारा टेक्सिंग खत्म हो गया तो मैं यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। अब ये जो अगर सब्सटेंस में आप जाके काम करोगे ना, उसमें टाइप प्लानर है, उससे एक ही बार में अपने आप हो जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये थोड़ा सा आपका पेंटिंग वाला काम है, आपको इसको थोड़ा धीमे धीमे आपको मैनेज कर देना। जितने भी सीम होंगे ये आप प्रॉब्लम फेस करोगे बम्प में भी, बम्प में मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, बम्प में आप करना, मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को बता देता हूँ। ठीक है, ये दिख रहे हैं अभी, अभी देखो यहाँ से पैटर्न दिया, अभी पैटर्न में यहाँ पे क्या, देखो यहाँ से मुझे चीज़ों को पिक करके देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पैटर्न मैंने दिया, देखो ये आप यहाँ से पेंट करके देख सकते हो। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उसका कलर को आप पेंट करो तो आपको चीज़ नजर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये दोनों जगह का कलर अगर सेम नहीं होगा ना, या आपने कहीं पे कुछ चीज़ आपको लगा हो कि भाई कहीं पे कुछ चीज़ छूट रहा है या किसी जगह पर रह गया, तो आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ये सेम का आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो। देखिए देखिए, अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं हो रही, तो मुझे फोटोशॉप से जाकर भी मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अभी यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर, यहाँ पर मुझे सोर्सेज ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जैसे मुझे अभी इस पैटर्न को मुझे हटाना ही है, तो मैंने कहा चलो एक बार ठीक है मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई काम करना था, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर ए टाइमिंग ये ऐसा पैटर्न आप देखोगे आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हो फोटोशॉप में, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने जो किया ये मैं स्पॉट यहाँ पे, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको हल्का सा कहीं यूवी से अप एंड डाउन हो, चाहे देखो ये देखना पे ये यूवी से कहीं से आपको हल्का सा अप एंड डाउन होगा तो अपने आप ले लेगा वहाँ पे। तो अगर आप चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे देखो मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने कहा भाई ये मैंने एक अलग लेयर लिया, अलग लेयर पे मैंने यहाँ पे लिया, जैसे मैं देख रहा हूँ ये दिस वन, ये मेरे पास यूवी है, यहाँ से मैंने पैटर्न दिया, पैटर्न पे जाके मैंने ये। ठीक है,
तो मैंने कहा अगर ऐसा कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, इसलिए मैंने उसे कहा कि चलो फॉर टाइमिंग में बस ये चीज़ें बेटर हो जाएंगे यहाँ पे। इसके सिवाय जैसे आपके यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा हैं उन पर थोड़ा सा आप देखो लेकिन वाइट सब आ रहे हैं, आप इनको थोड़ा सा यूवीज के साथ थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पेंट कर दोगे तो भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। एक तरीका मैंने वो बताया, दूसरा तरीका आपको मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ। जैसे यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, जैसे मैंने सिलेक्शन किया अभी यहाँ पे देखो मैं अलग अलग पैटर्न दिए मैंने यहाँ पे ना, तभी देखो यहाँ मैं उस काम ज़्यादातर कहाँ पर, जैसे अगर मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पे कर दिया ठीक है यहाँ पे मैं सिलेक्शन है मेरे पास ये पार्ट दिख रहे हैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे दिख रहा है अभी ये जो सिलेक्शन है मेरे पास यहाँ पे जितने सिलेक्शन है सबके कलर वाइज मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगा तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। जैसे सिलेक्ट में जाके सिमिलर कर दिया ठीक है, सिमिलर कलर में ही आ रहा है। अभी जैसे मैंने कलर ले रखा है कलर अगर मैं थोड़ा सा लूँगा यहाँ पे ठीक है सिलेक्ट में गए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्ट सिमिलर है, यहाँ से आप कुछ ऑप्शंस को बढ़ा सकते हो। जैसे मैं मॉडिफाई करता हूँ, मॉडिफाई में जाकर मैंने क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास बॉर्डर है स्मूथ है एक्सपेंड है, एक्सपेंड करके देखें यहाँ पे जैसे ध्यान देना एक्सपेंड से कुछ होता है कि नहीं होता। मैंने कर दिया लगता है मैंने 2 कर दिया ठीक है, देखो यहाँ पे तो 2 करने से मुझे कुछ बेनिफिट मिला देखना यहाँ पे ये 2 कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं अगर ऐसे कुछ कलर फिलफिल करने लगा तो मेरे पास थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो मैंने सबको मैंने मिक्स कर रखा है ये है ना, तभी अलग अलग लेयर रखने पर ये फ़ायदा होता है कि मैंने यहाँ पे कलर किया कि ये क्लिक कर दिया यहाँ से मैंने ठीक है मैंने कलर फिल कर दिया तो ये मस्त पैटर्न है बस यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है। कंट्रोल डी कर दो आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा ठीक है, अरे ये इधर बॉर्डर पे नज़र आ रहा है ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे पास एक और लेयर भी है मैंने इसे ऑफ कर दिया तो मेरे यहाँ पे दूसरा लेयर भी नज़र आ रहा है ठीक है। ये देखें अभी ये मैंने पैटर्न दिया यहाँ पे तो मैं इस पर भी मैं क्या कर सकता हूँ कंट्रोल एंड क्लिक ठीक है। अभी देखो मुझे पास यहाँ पे इसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा तो व्हाट वी वांट यहाँ से मैंने इसे कर दिया। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप मैनेज कर दोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। क्वाइट सा लाइन देखना यहाँ पे तो ये पार्ट भी मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है। फिर से क्या करेंगे सिलेक्ट में गए यहाँ से मैंने क्या मॉडिफाई एंड एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया यहाँ पे कलर मैंने यहाँ से पिक कर रखा है इसी के अंदर मैंने कलर पिक करा तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ तो कंट्रोल एंड प्लस जूम करके देखो कंट्रोल डी आएगा यहाँ पे देन ये दोनों पैटर्न आप देखो यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो यूजुअली टच नहीं होता वो क्या कहते हैं चलो इसी में काम चल जाएगा ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्त आपको ये पैटर्न दोस्त आपको पता चले इसलिए मैंने थोड़ा सा इन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ तो सेम चीज़ यहाँ से बारीकी को दोस्त लेके पकड़ते हैं भाई मैं थोड़ा सा पैटर्न है तो ठीक है। अभी कलर वाइज हम लोग चीज़ को मैनेज करें तो जैसे मैंने यहाँ पे किया ये देखो ये यहाँ से ये इतना मैंने कर दिया ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस लेके चलोगे ना आपका काम बहुत बेटर हो जाएगा अगर आप पेशेंस का अगर आप काम करते हो तो, और पेशेंस के साथ काम नहीं करोगे तो जॉब नहीं लगेगी बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है। सेम चीज़ कुछ छूटा तो नहीं है ये देखो छूटा है यहाँ पे तो ये मैंने कर दिया ठीक है। तो लोग कभी परेशान करते हैं सेलेक्ट में गए सेम चीज़ मॉडिफाइड यहाँ पे एक्सपेंड सेम चीज़ यहाँ पे मैंने कर दिया वाइट सा कलर जो दिख रहा है मुझे यहाँ पे अभी नहीं देखेगा तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच जाओगे। डी हो गया ओके कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मुझे यहाँ से अभी देखो यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए अभी देखो इतने सारे पैटर्न हैं मेरे पास यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ आराम से गेम प्ले करूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी मैं कर सकता हूँ और यहाँ से मुझे इतना काम करो कि आपकी हैबिट हो जाए कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ये लाइटिंग वालों टेक्सटिंग वालों सब के लिए काम आने वाला है क्योंकि ये एक कॉमन पार्ट है जहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा ठीक है। अभी ये मैं चाहता तो मैं स्किप कर देता कि भाई मुझे अगर सिर्फ ट्यूटोरियल बनाना होता तो मुझे पता है इसमें आप लोगों का करियर भी बनना है ठीक है। सेलेक्ट मॉडिफाई एंड एक्सपेंड कर दिया यहाँ पे ये सिंपल सा पैटर्न यहाँ से मैंने कलर पे कर लिया यहाँ पे और मैंने इसी लेयर पे कर दिया तो अभी आपको लेयर का सिस्टम पता चलेगा इन फ्यूचर आप कभी भी परेशान नहीं होगे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कंट्रोल एस कर दिया अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखो एक ऑप्शन मैं आपको ये बताया आप यहाँ से भी कर सकते हो क्लोनिंग का पैटर्न भी बता दिया मैंने यहाँ पे ठीक है यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मेरे पास ये पूरा पैटर्न आपके पास यहाँ पे आ गया राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं रिलोडेड कर दूंगा तो मैं रिलोडेड में ये पूरा पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ गया ओके। चलो एक पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें हम लोग जब काम करना स्टार्ट करें ना तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है चीज़ों को कैसे मैनेज करना है कोई ठीक है। चलिए ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ गया अभी मैंने यहाँ पे क्या किया मैं अभी फिर से आता हूँ यहाँ पे जो मैंने बम्प अभी मैंने देखा ये बम्प हमने शायद बनाया है ना ये कि यहाँ पे मुझे करना है तो यहाँ पे जो बम्प में ये ब्लैक वाइट वाइट से जो लाइनें दिख रही है ना
ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने वाली है, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रख के चलना भाई। मेरे पास दिख रहा है अभी जो वाइट सी जो लाइन है, अभी अगर मेरे पास इतना काम हो जाता है तो मैं यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके देख लेता हूँ। तो पहले एक बार देख लेते हैं जो हमने बम्प साइज सेव किया इसका, है ना। तो बम्प एक बार अप्लाई करके देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे बम्प आता है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ पे गए एंड ठीक है 2D पे गए, फाइल पे गए, फाइल पे गए, यहाँ से मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा अभी मैं कुछ जगह पे बम्प और भी दूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ और नजर आए, मैंने कहा ना लाइनें तो दिखेंगी वो आपको कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करने वाले, तो 0.02 कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ मैंने आपको बोला ना, ये जो वाइट सी लाइन है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा भाई, आपको सीरीज जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा पैटर्न वाइज काम करना पड़ेगा। सब्सटेंस के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे क्या टाइप अलाइन करके ऑटोमेटिक हो जाता है, माए वालों के लिए तो ऐसे दिक्कत होगी, या इसको मैनेज करने के लिए तो यूवीज को आप इसके साथ कनेक्टिविटी देके काम करोगे, या चीज़ों को ऐसे भी फुल स्विच करोगे, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो वाइट से जो लाइन है, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंट करना पेंट कर सकता हूँ। अभी अगर मैं बम्प को जैसे मैंने यहाँ पे क्या करता है जीरो कर दिया यहाँ पे, तो नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अगर बढ़ा दूँ 0.1 कर दिया, ठीक है 0.02 कर दिया मैंने यहाँ पे, तो चीज़ें थोड़ा सा मैं बेटर कर सकता हूँ यहाँ पे। सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे बम्प में है, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट कंट्रोल एंड क्लिक कंट्रोल डी, ठीक है, सिलेक्शन कर लें यहाँ पे, सिलेक्ट एंड सिमिलर, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे देखो जो सिमिलर में जो कुछ एक्स्ट्रा भी आ गए उनको मुझे छोड़ देना है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये कहने की डिस्टर्ब करने वाला आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर दो, यहाँ से थोड़ा सा आपने ऐसे मैनेज कर दो तो आएगा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो मैंने पैटर्न दिया ये पैटर्न पे बस क्या है, ये पैटर्न पे बस यहाँ पे, तो मैंने क्या किया सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड कर दिया, मैंने 2 कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया जो वाइट सा जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे वाइट में कर दें क्या पे, ठीक है। यहाँ से मैंने वाइट में कनेक्ट किया ताकि मेरे उस ये पार्ट आ जाए, जैसे नॉर्मल पे जाता हूँ नॉर्मल पे मेरे उस पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल डी, इसके बाद जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट आई कर दिया मैंने यहाँ पे, और जस्ट मैं सबको मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ पैटर्न आपको देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग थोड़ा प्लान कर सकते हैं। वापस हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, कलर बंड पे भी जाके दे देते तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा फाइल सेवर्स, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका थोड़ा सा काम और बेटर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया यहाँ पे, इसकी PHD फाइल हमेशा सेव करके रखना है यहाँ पे, जैसे मैंने शक्तिमान बम्प दे रखा है यहाँ पे, तो पहले इसका PHD फाइल सेव कर दो ताकि वो जब भी आप काम करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं PHD फाइल ऊपर ही है, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया अभी फाइल सेव है, ताकि दोनों का बैकअप बना रहे, हमेशा एक बैकअप रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शक्तिमान बम्प, कितने बम्प है भाई, एक ठीक है, मैं एक बार रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, मैं चाहिए रिप्लेस नहीं करा, देखा बोलते ही हो चला गया ना पे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया जेपैक PHD सेव कर लेते तो भी मेरे से यहाँ पे कई बार ऐसे, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ माया के अंदर, माया राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, यहाँ से हम लोग गए और रिलोडेड करने पर कुछ हुआ, देखो यहाँ पे हुआ, वो जो लाइनें थी वो लाइनें थोड़ा सा बेटर हो गई यहाँ पे। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, देखो यहाँ पे चाहिए आपके पास उतना नोटिस भी नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड करते चीज़ों को मैनेज करते, अब देखो जितनी जगह पर मुझे चाहिए उतनी जगह पर जा रहा है। अब इसमें एक टिप्स और भी ऐड ऑन करता है, जैसे कि देखो शक्तिमान के लोगों पे जो लोगो दिख रहा है, इस लोगों पे मुझे चाहिए कि इस लोगों पे ये पैटर्न ना आए, ठीक है। तो एक और आप नया गेम खेल सकते हो,
देखने में अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग यहाँ पे अगर अलग अलग लेयर है तो अलग अलग लेयर पे आके हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये मेरा स्पॉट है, यहाँ पे ये अलग अलग लेयर होने का बेनिफिट होता है क्या, तो सेलेक्ट कर दिया मैंने, राइट क्लिक है, ऑन ऑफ करके देखो यहाँ पे इसको शिफ्ट प्रेस करके दे लेकर आना, ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया, क्लिक एंड ड्रैग आ गया, एग्जैक्ट उसी जगह पे आने वाला है, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि भाई मुझे इस जगह पे थोड़ा सा मेरे को पैटर्न थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट यू डिसैचुरेट कर दिया, कंट्रोल एल इसका थोड़ा सा मैं लेवल्स में दे सकता हूँ, बिल्कुल वाइट की तरफ जितना लेके जाओ उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप इसको मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर लेवल लेके जाओगे तो यहाँ पे चीज़ें अपने आप अलग से दिखेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो कंट्रोल एस, दूसरा फाइल कंट्रोल शिफ्ट एंड एस, यहाँ पे मैंने करा सेव एज कंप्यूटर एंड जेपैक, शक्तिमान बम के ऊपर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप जाओ माया में जाओ एंड यहाँ पे अब यहाँ पे जाके आप देखोगे तो आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट रिलोडेड मैक्स में बैटर है, वो अपना ऑटोमेटिक रिलोड हो जाता है, इस बार बार रिलोड करने की दिक्कत नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे देखिए, ये तो ये भी पार्ट आपको बाहर की तरफ निकल के आ रहा है। तो ऐसे करके कुछ जगह होता तो होता और कुछ चैलेंजेस होगा क्या, तो बम पे मैंने एक पैटर्न ये दिया कि भाई चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इतने बॉडी पे मुझे काम करना था तो मैं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई लेदर का टेक्सचर उठा के डाल दूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे काम आएगा क्या, अगर मैं चीज़ों का मैं मैनेज करने वाला हूँ कि मैंने जो शूज़ में मैंने लेदर का टेक्सचर डाल दिया, यहाँ पे कुछ लेदर का टेक्सचर डाल दूँगा, तो कनेक्टिविटी बना के हमें करना पड़ता है कि भाई अभी मैं फेस पे अगर मैं पेंट कर रहा हूँ तो फेस का मैं टेक्सचर पेंट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आएंगी कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ अपने, ठीक है। देखो जैसे मुझे लेदर टेक्सचर डालना है तो लेदर टेक्सचर के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को तो मैनेज किया, लेदर टेक्सचर यहाँ पे सीमलेस करोगे तो ज़्यादा बेटर है, सीमलेस दिखना है अभी, ठीक है। इमेजेस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मेरे पास इमेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैंने इमेजेस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मिल जाए तो वेल एंड गुड, रेशो देख लेना है 640x400:27:27 है ना, तो वो काम नहीं करेगा, मेरे पास यहाँ पे इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, जैसे 200 ये भी काम कर जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को आप मैनेज कर सकते, ग्रे पे करना है ग्रे कलर पे कर दो आप यहाँ पे, ओके। यहाँ पे पैटर्न्स देखना पे 2000x2000 मिलेगा, कुछ लोग फ्री नहीं देते, कुछ लोग फ्री मिल जाता है, तो आप ऐसे कुछ पैटर्न्स को आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे सेव करना चाहूँ फाइल सेव इमेज, ठीक है, तो व्हाट यू वांट, हम लोग यहाँ से चलते हैं, स्विच किया मैंने यहाँ पे, मेरे पास फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है, ये देखते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फाइल में दूसरी है तो सो इन फोल्डर यहाँ से दिख रहा है, फाइल फॉर्मेट थोड़ा सा दूसरा है, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास ये अगर ACDC में भी सेव होगा तो मेरे पास काम कर जाएगा यहाँ पे, सो इन फोल्डर यहाँ से मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड ACDC नहीं काम कर रहा, ठीक है, तो दूसरा ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्या, ठीक है, चलो कुछ कुछ ऑप्शंस अच्छे से मिले तो चलो यहाँ से हमने क्या जुगाड़ कर लिया, राइट क्लिक इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट करके कर लेना दो बार हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी में किया एंड फोटोशॉप में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेना, ठीक है, इजी है, बढ़िया है, जो इजी रहे वो ज़्यादा बेटर है, ओके। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे मैं जो दूसरा वाला ऑप्शन मैं यूज़ कर लूँगा एडिट में गया एंड यहाँ पे क्या कर दिया डिफाइन पैटर्न, डिफाइन पैटर्न पे गए, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैं बस अगर जो मैंने बम्प दिया है, मैं बम्प मैप ही बनाने वाला हूँ सॉलिड सा, देख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, देखो मैं से यहाँ पे चीज़ देखने पे, ठीक है। अभी ये है क्या कि मैं किस पैटर्न को कहाँ पे लेके जाऊँ, ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे पास ये बम्प का ही पार्ट है, मेरे को चाहिए ये पैटर्न किस जगह पे चाहिए, अभी मैं बस यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ, मेरे पास कलर देख रहे हैं यहाँ पे, इस कलर वाले में मुझे चाहिए जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास कुछ एक चीज़ सेलेक्ट हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया राइट क्लिक एंड यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने अलग अलग लेयर बना रखा तो ये मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये मिनिमाइज कर दो, देखो ये लेयर दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे पैटर्न, एक न्यू लेयर क्रिएट कर लें, थोड़ा न्यू लेयर क्रिएट कर लें यहाँ पे,
पैटर्न पे गए, पैटर्न पे जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैटर्न पे जाने के बाद मुझे यहाँ से क्या करना है, इस पर क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ओके, स्केलिंग में अगर मैं चाहता हूँ, मुझे स्केलिंग में जो मुझे चाहिए अप्रॉक्सीमेट 20 इज एनफ, और बहुत ज़्यादा सीमलेस बहुत बड़े नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, मैं 50 करके देखता हूँ, 50 में भी काम कर जाए तो ठीक है, काम चलाओ अगर कुछ हो सके तो वेल एंड गुड है। देन इसके साथ अगर मैं यहाँ पे मैंने कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, देखना यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस पर मैं कंट्रोल जे कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, हो रहा ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, चीज़ों को एक बार अभी ये देखो यहाँ पे पैटर्न कर देंगे, यहाँ पे मास्क करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करना पड़ेगा, तो भी जैसे अगर मैं क्लिपिंग मास्क करता हूँ मुझे इसकी कॉपी लेके तो जाना पड़ेगा, मुझे लेके जाना है बम्प में, अब मैंने इतना कर दिया है, ठीक है, अभी क्लिपिंग मास्क मैंने कर भी है तो मुझे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, तो ये पैटर्न मुझे कहाँ बनाना है, दोनों पैटर्न मुझे लेके जाना है बम्प के अंदर, ठीक है, तो मुझे इन दोनों लेयर को ही उठा के कहाँ लेके जाना पड़ेगा, बम्प के अंदर। तो ये हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं कि चलो ये लेयर बना रखा तो मैं सेफ पैटर्न में बस यहाँ पे चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ, ये वाला बम्प नहीं है, ये वाला बम्प है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये दोनों शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पर है, तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। जैसे अभी आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने क्या किया, कि यहाँ तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, है ना, तो बस कलर यही रहेगा पैटर्न में, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे हेयर और इस पर भी चला गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको भी आप लेसो से आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे इतने पैटर्न पे मुझे नहीं देना है तो मैंने इसको भी, मैं इसको भी अलग कर ही लेता हूँ क्या, जैसे क्लिपिंग मास्क कर ही है तो अल ठीक है भाई, ये जो पैटर्न मैंने दिया अभी फ़िलहाल में मुझे सिलेक्शन करके निकाल दें तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्शन कर दिया कंट्रोल जे, ठीक है, सिलेक्शन कर दिया कंट्रोल डी, यहाँ पे क्या अभी कंट्रोल जे, तो कहीं ना कहीं आपको ये काम आने वाला है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मुझे अभी जो मुझे क्लिपिंग वास्ट मैंने यहाँ दे रखा है, क्लिपिंग वास्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर मेरे पैटर्न को यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मैंने करूँ यहाँ पे, ये ऑन किया मैंने, इन दोनों को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड क्लिपिंग मास्क, इतने पैटर्न पर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया बी4 ब्रश, यहाँ से अभी चाहता आप इसे इरेज कर दो, ठीक है, अब मैनेज कर दो, बी फॉर ब्लैक कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा पे, है ना। ठीक है, एक बार फिर से क्लिपिंग मास्क कर देंगे, डोंट वरी, जस्ट गिव मी वन मिनट, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे ब्लैक कलर कर देता हूँ, पे ब्लैक कलर करने पे मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे दिख रहे हैं, वही लेयर पे काम हुआ है कि नहीं हुआ, ये मेरे पास लेयर यही है, ठीक है, इस लेयर पे काम कर दिया मैंने, एक बार रिलीज़ कर देता हूँ, पे रिलीज़ करके अदर इसको वापस क्लिपिंग मास्क करें तो भी काम ऐसे ही हो रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या किया मैंने, जो काम करके ब्लैक यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है, एंड डिलीट, इस पर अगर डिलीट ही कर दो तो काम आपका हो जाना है, ध्यान रखना यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे जाकर डिलीट कर दो तो क्लिपिंग मास्क से भी आपका छुटकारा मिल जाएगा अभी, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो ये भी काम करके देख लेते हैं यहाँ पे, और तो ऐसे देखो यहाँ पे कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें आपको जो मिल जाए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया ई फॉर इरेज यहाँ से, और यहाँ से देखिए अभी ये काइंड ऑफ मैं तो बहुत यहाँ पे मैनेज कर दूँगा, ये कहीं ना कहीं बम्प है ना, ये चीज़ आपको दिक्कत देंगी क्या, तो मेक श्योर ये छोटी छोटी बारीकियों का थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने एक्सपेंड करके भी आप इसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है, देखना यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको यहाँ से यहाँ तक भी दिखेगा, ठीक, तो काम हो जाएगा। अभी चलो इसे एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, मैंने डिससेचुरेट यहाँ पर क्या करना है, ये तो मैंने यहाँ पर करना ही होता है, जैसे बम बनाने के प्रोसेस में आपको यहाँ पर नॉर्मली अगर मुझे इस पर ही काम करना है तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जैसे मैच चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे क्या है सेलेक्टिव, यहाँ पे और कुछ हो सकता है, एक्सपोजर में जाओगे यहाँ पे आपको एक्सपोजर से थोड़ा सा प्ले करना चाहो तो कर सकते हो लिटिल बिट, ठीक है, लेकिन ये इसी के साथ काम करोगे तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, इसी की बेस पे रहेगा तो काम हो जाएगा यहाँ पे क्या। ऐसे चीज़ों को अगर आप और भी कुछ लेना चाहो कर्व लेवल यहाँ पे UN सैचुरेशन सैचुरेटेड में जाओ, यहाँ पे आपको सैचुरेट कर देना है कलर वाइज, ठीक है, क्लोज, ये भी सेम आपको क्या करना है
क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ऐसे भी चीज़ों को आप मैनेज करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, आपको कर्व लेवल साथ आप प्ले करना चाहते हो कर सकते हो। सिंपल बम्प का एक पैटर्न बन जाता है कि भाई मुझे यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे काम कर रखा है तो ये कंट्रोल जी कर दो तो ग्रुप हो गया यहाँ पे। वापस देखें यहाँ पे वापस क्लिपिंग मास्क होगा क्या यहाँ पे? नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ग्रुप में इन चीज़ों को मैं मैनेज इसको लेके चलता हूँ 1 2 3 4 एंड कंट्रोल जी, अभी ये ग्रुप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लेदर LETHER। ठीक है, तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। डिसैचुरेट कर दिया है, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। सेम आपको फेस के लिए भी अगर आपको करना पड़ता फेस के लिए आप ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ये भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा वहाँ पे इम्पैक्ट कैसे आ रहा है। हमने एक पैटर्न एक अप्रॉक्सीमेट दिया है, ठीक है, सेलेक्ट किया हम लोगों ने राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, देन यहाँ से मैंने कर दिया रिलोडेड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ आया कि नहीं, देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा बेटर देखिएगा, कहीं पे कोई चीज़ खाली नहीं है। जैसे यहाँ पे भी दिया तो यहाँ पे भी, तो अलग अलग पैटर्न आप ले सकते हो। तो कलर हम लोगों ने अलग से बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्लॉथिंग का है, अभी देखो इसके अंदर जो फिटिंग का पार्ट है, तो एक आध चीज़ मैं आपको छोटा सा पैटर्न आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा देता हूँ कि मुझे कहीं पे जैसे ये देर का फिटिंग है तो फिटिंग वाइज चीज़ों को मैनेज कर देंगे। बहुत क्लॉथ भी चीज़ों को हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, दिखाता हूँ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक आध ऐड ऑन कर दिया, टी शर्ट क्लॉथ टेक्सचर डाल दिया मैंने, ऐसे सर्च कर लिया। एक छोटा सा टिप्स आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने किया फोर शॉप पे गया यहाँ पे, अब जितनी बारीकी में जो उतना ज़्यादा बेटर है। मैं बम्प पे नहीं डालने वाला, यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेम जो खेलने वाला हूँ मैं इसके साथ गेम खेलने वाला हूँ। अब बम्प पे डालोगे बम्प पे भी इम्पैक्ट देखिएगा, मैं बिना बम्प के भी इम्पैक्ट आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो वी प्रेस कर दिया, ठीक है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे कलर पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा एक टिप्स दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल टी कर दिया, यहाँ से अपने चीज़ को मैनेज कर दिया। प्रॉपर आपको क्लॉथ का लुक एंड फील देने के लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने कर दिया सिंपल सा पार्ट, मैंने देखना यहाँ पे कलर बंद में आप देखना यहाँ पे ये कलर बंद करो आप यहाँ पे जो मैनेज कर, तभी आपको देखो एक फील जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे देखना अभी ये क्लॉथ का लुक एंड फील मिलेगा। अब यहाँ से मैं इस पैटर्न को अगर मैं करूँ और ए टाइम में कंट्रोल टी और रफली एक बार मैं मैनेज कर देता, ठीक है, यहाँ देखना भाई। तो ये जो अगर मैं पैटर्न दे रहा हूँ, इस पैटर्न को अगर मैंने यहाँ पे सब जगह जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ दिया, इसको मैं दोस्तों मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट में इधर से भी दे सकता हूँ। जस्ट सपोज मिलाना पड़ेगा, बिना मिलाए काम नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड वी प्रेस कर दिया यहाँ पे वी, ठीक है ना भाई। ये पैटर्न मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पर, ठीक है, इस पर मैं देना यहाँ पे बस कुछ चीज़ यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। कुछ चीज़ों पर यहाँ पे मैं काम कर सकता तो करूँगा। जैसे यहाँ पे देखें ना, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इतने पार्ट में मुझे जैसे यहाँ पे मैं अगर काम करता हूँ, देखो ये पैटर्न मुझे दिख रहे हैं। अभी इन सब पे एक बार अप्लाई करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, जिस मुझे रफली जो भी काम चाहिए वो इतने ही पैटर्न पर चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया इतने पैटर्न पर चाहिए, लेकिन जैसे इतने पैटर्न पर मैं दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कंट्रोल डी कर दिया एंड यहाँ पे ई फॉर इरेजर, यहाँ से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके देख लेता हूँ रफली एक बार यहाँ पे दिखा दो, तो आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से मैं चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया भाई मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इतने पैटर्न को यहाँ पे दिखाया। अभी ये जो पैटर्न मैंने जो दिया उसको मुझे यहाँ से अभी जस्ट अरेंज करके देना यहाँ पे। देखो आपके पास क्लॉथ के अंदर लुक एंड फील आपको यहाँ पे आएगा जिस चीज़ को आप मैनेज करना चाहोगे। देखना यहाँ पे ये पैटर्न मैंने यहाँ से दिया तो मैंने इस पर भी किया मैंने यहाँ पर। अभी अलग अलग पैटर्न पर आप निकाल लोगे तो आपके यहाँ पर काम हो जाएगा। सिंपल सा पार्ट, आप यहाँ पे क्लिपिंग मास्क करना चाहो तो क्लिपिंग मास्क भी आप जाके यहाँ पे कर दोगे तो आपके यहाँ पे देखिएगा इसमें राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दोगे तो आपके यहाँ पे, ठीक है। एंड देन चीज़ों को मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी जैसे रफली दिखा देता हूँ, कंट्रोल एस कर देगा यहाँ पे। तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो क्या है, वो पैटर्न आपका यहाँ पे भी देखेगा। देन आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो दोनों चीज़ें एक साथ दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर रिलोडेड किया देखो यहाँ पे, अभी आ रहा है यहाँ पे लुक एंड फील, ठीक है। यहाँ पे बेसिक एक पैटर्न भी देखिएगा, लेकिन हाँ इसको मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो एक मैंने कहा चलो आपको एक पैटर्न ऐसे भी दिखा दो, तो ऐसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। बहुत बारीक बारीक रिंकल भी आप मैनेज कर सकते हो। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे किया ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे क्या देखा देखें यहाँ पे ये भी पैटर्न मैं यहाँ पे तो और टाइम के लिए डिलीट करता हूँ यहाँ पे। देखो ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे, इस पैटर्न को अगर मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ मैंने क्या किया कंट्रोल टी करके यहाँ पे जो मैनेज कर देता हूँ जस्ट काइंड ऑफ देखो यहाँ पे। तो अभी ये जो पैटर्न है मिलाओगे तो चीज़ें और बहुत भी मिलेंगी। कंट्रोल एस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप मैनेज करोगे तो ये जस्ट टाइम टेकन है। आपको प्रॉपर रिंकल्स मिलाना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है पैटर्न, तो आप डिसलेक्ट करके देखो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पैटर्न आपको अलग से भी दिखेगा।
तो आप इससे मिलाओगे तो आप काम कर सकते हो। तो मैं चलो एक टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे आपको इस पूरा चीज़ें दिख जाएंगी। तो क्लॉथ वाइज भी चीज़ आपको मिलेगा, हर एक चीज़ों का एक पैटर्न है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास मैंने मेटल दे रखा है, मेटल दे रखा है, देखो मेटल में सिंपल कलर है। अभी मैं इसमें मैं मेटल टेक्सचर ला के डाल दूँ तो यहाँ पे क्या मैंने क्या किया, MATL मेटल सीमलेस टेक्सचर, सीमलेस टेक्सचर, ठीक है। मेटल सीमलेस टेक्सचर पे ला के अगर मैं करूँ भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को चाहिए, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, थोड़ा सा ऐसा कुछ या थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। तो इन चीज़ों का मैं देखूँ मुझे यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न देना है, तो पैटर्न में ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे उठा के डालना पड़ेगा, उधर पर उठा के डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मैंने सेट कर दिया, JPG है, ऊपर गया यहाँ पे, राइट क्लिक ओपन विद। आप इसमें थोड़ा सा वैराइटीज़ ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने एक रफली दिया। देखो यही चीज़ आप जा रहे हो सब्सटेंस में ना, तो बहुत मज़ेदार मिलने वाला है वहाँ पे, क्या आपने क्लिक किया और सारा आपका काम आपके हाथ में है, ठीक है। तो हम लोग उसमें भी करेंगे एक बार, जैसे ये आपको एक आइडिया दे, तो भाई मेरे पास अगर ऐसा कुछ काम है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता यहाँ पे। अभी इसमें बस यहीं पर अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी इन सब का अलग लेयर बना देंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगर काम करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास हर एक का अलग लेयर होगा तो मेरे लिए आसान होगा। जैसे मैंने क्या किया, एडिट कर दिया मैंने, इतना छोटा टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे काम कर, डिफाइन पैटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे देखो, देखना यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक, ये सब कुछ ऐसे में एक ही में दे रहेगा ना। इन सबों को अलग करना स्टार्ट कर दो, जैसे अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, दिस वन एंड सेलेक्ट एंड सिमिलर, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या कंट्रोल जे कर दिया मैंने, ठीक है। जस्ट सपोज देखना यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया मेटल, MATL मेटल, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, ये मैंने कर दिया। अभी इसके ऊपर अगर मैं मेटल का एक लेयर बना रहा हूँ, मेटल के लेयर बनाने के लिए मेरे पास आसानी होगी ना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल डी, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया मेटल, तो मैंने यहाँ पे क्या सिंपल सा पैटर्न पैटर्न ले के आ सकते हो आप यहाँ पे, पैटर्न पे आप गए यहाँ पे, आप यहाँ पे देते हैं यहाँ पे डन, ठीक है। ये किसके ऊपर है, राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दो आप, इसी पर आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे ये मैंने क्लिपिंग मास्क किया, तो मेरे पास यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो क्लिपिंग मास्क है मेरे पास इसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे पैटर्न वाइज भी है, यहाँ पे नॉर्मली टेक्सचर को मैंने मैनेज किया। अभी ये मेरे पास काम कहाँ पे करने वाला है, अगर मैं इसको कहाँ ले गया हूँ, बम्प में कलर मुझे देना है, तो आपको कलर और बाकी चीज़ का डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने काम कर दिया, मैंने यहाँ पे दिया ये पैटर्न है ना। अब इन दोनों को अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कहा भाई ये काम कर, यहाँ पे मैं बम्प भी था ना, बम्प में गया, इन दोनों को मैंने शिफ्ट एंड क्लिक करके मैंने उठा के डाल दिया यहाँ पे। तो इन दोनों को मैं एक ग्रुप में कर सकता हूँ, कंट्रोल जी, ठीक है, MATL मेटल पॉसिबल है। इसको मैंने सेट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया एंड शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, है पॉसिबल। तो मैं अभी यहाँ से मैं गया, तो मैं फिर से यहाँ पे सेव एज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा। PhD सेव कर दिया ना पे, ताकि आपका एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। धीमे धीमे हम सब में ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे, तो सबका एक पैटर्न आपको देखेगा यहाँ पे। मैंने कर दिया JPEG, तो देन आप यहाँ पे क्या करोगे, तो मेटल में मेटल आ रहा है और देन लेदर पे लेदर आ रहा है, तो एक साथ बहुत सी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, जिसको हम चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड मेटल एट्रीब्यूट, ठीक है। देन मैंने रिलोडेड कर दिया यहाँ पे, ये बस इसके अंदर है, बम्प के अंदर गए, मैंने यहाँ पे रिलोडेड कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी मेटल में बम्प तो आ गया है, लेकिन मेटल के लिए यहाँ पे चीज़ें और भी होती है। जैसे मेटल के अंदर हर एक के अंदर साइनिंग का भी पार्ट होता है। अभी मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या, अभी मुझे जैसे इसके अंदर मटेरियल्स हैं, अभी मटेरियल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चीज़ों को अलग अलग करूँगा। जैसे मुझे किसके अंदर साइनिंग ज़्यादा, किसके अंदर साइनिंग कम होना चाहिए, कि ये मैप भी हम लोग बनाते हैं, मेटल में सबसे ज़्यादा साइनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं जब ये इसका मैं साइनिंग का पार्ट बनाऊंगा, तो इसको मैं चीज़ों को मैं यहाँ से मैं मैनेज करूँगा, ताकि आपको आइडिया मिले। जैसे मान लो ये इसको भी हम लोगों ने बनाया बम्प है, इसी का एक हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट बना के करेंगे स्पेकुलर, स्पेकुलर का एक मैप अलग रखेंगे, जिसके अंदर हम साइनिंग इतना ज़्यादा देंगे यहाँ पे, जिसकी साइनिंग जितना लेवल में होता है, ठीक है। तो हम लोग उसको वैसे ही मैनेज करें, तो अपने आप यहाँ पर साइनिंग भी आ जाएगी यहाँ पे। अब फेस का पैटर्न हमने दिया यहाँ पे, ठीक है, फेस के पैटर्न में हम लोग यहाँ पे काम करें, ठीक है, फेस में है, हेयर पे, इन पर थोड़ा सा पेंट करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मैंने बताया आपको लास्ट टाइम, मुझे अगर यहाँ पे पेंट करना पड़े, तो मैं पेंट कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पर लोग यहाँ पे गए, तो रफली मुझे हेयर पे नॉर्मली पेंट करना पड़ेगा, हेयर के जो शेप्स हैं, हेयर पे कैसे काम करना है, फेस पे कैसे करना है, उस पर भी काम करें। फिर बाद में जाकर हम उसमें बम्प पे जाके काम करेंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मेरे पास अभी देखो, अभी मेरे पास कार्टूनिक है, तो कार्टूनिक के अंदर हम लोग यहाँ पे वैसे वैसे बम्प नहीं देंगे, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्किन का थोड़ा सा
प्ले करना है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे गए स्कैन स्किन टेक्सचर कर दिया मैं सीमलेस टेक्सचर, ठीक है। अभी स्किन टेक्सचर के अंदर मैं कहूँ तो स्किन सीमलेस टेक्सचर अगर मैं करता हूँ तो मुझे स्किन का टेक्सचर कैसा चाहिए, पैटर्न मुझे कैसा चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट ये देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो कलर है ब्लैक एंड वाइट में करूँ तो भी मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखो अलग अलग पैटर्न होते हैं सारे, ठीक है। अब इन पैटर्न्स को अगर मैं लेके देखूँ, हर एक की स्किन अलग अलग होती है, कार्टूनिंग में ये सब नहीं होता, ज़्यादातर रियलिस्टिक स्किन के लिए होता है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे मैं स्किन सीमलेस टेक्सचर से यहाँ पे किया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसा है 800x800 यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, फाइल सेवर्स किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका पैटर्न मुझे बहुत छोटा चाहिए, बहुत छोटा मतलब लाइक जितना कम देखो उतना ज़्यादा बेटर है, देख रहा है ये इक्वल है, मैंने क्या फाइल सेवर्स एक फॉर्मेलिटी वाइज में आपको चीज़ों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अगर मैं काम करता हूँ मुझे यहाँ पे चीज़ ऐसे दिखेंगी और मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, तो मेटल है यहाँ पे, स्किन है, ओपन विद कर दिया मैंने फोटोशॉप पे। अब यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे मुझे स्किन का जो मुझे अभी मुझे क्या टाइलिंग चेक करना पड़ेगा मैं यहाँ पे जाके देखूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसका मैंने फेस अलग निकाला है, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये पैटर्न मेरे पास यहीं पर। अभी यहाँ से मैं अगर मैं कहूँ मुझे कुछ पैटर्न निकालना, तो मैं ऐसे पैटर्न निकाल सकता हूँ, जैसे मेटल का मैंने अलग कर दिया, मुझे यहाँ पे क्या हर एक मुझे पैटर्न अलग कर ही देने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कंट्रोल जे, ठीक है, यहाँ से मैं कर दूँगा फेस, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट कंट्रोल डी यहाँ पे, ठीक है। अभी कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने, अनलॉक कर दो आप यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, एडिट में गए एंड डिफाइन डिफाइन पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया पैटर्न, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ सब चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो ये आपका स्किन है आपका यहाँ पे आगे, ठीक है। स्किन में आप जाके देखो तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए 10 कर दूँ मेरे पास यहाँ पे, तो देखो चीज़ें सही लग रही है कि नहीं लग रही, फिर इसके अकॉर्डिंग मुझे बम्प भी मुझे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दोनों को सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया फेस, ठीक है। अभी ये तो मैं क्लिक एंड ड्रैग कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे जो चाहिए मुझे यहाँ से मिल सके यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गए यहाँ पे गए, ठीक है, फेस क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे आ गया, ओके। यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, ये जो मैं फेस बनाया है तो मैं इस फेस का पैटर्न को ऑफ कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक। यहाँ पे मैंने ये धीमे धीमे मेंटेन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे आएंगे, फाइल सेव एज मेटल है क्या, एक बार देखें यहाँ पे, यहाँ पे मैं देखो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कौन सी हैं, एक मिनट, यहाँ पे मैं फेस, फेस के अंदर ये पैटर्न यहाँ पे देखें, जस्ट गिव मी वन मिनट, ये है ये नहीं, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, क्रॉस चेक कर लें यहाँ पे, एक बार देखते हैं, दोनों को डिलीट कर देना पे। यहाँ पे गए मैंने क्या किया, एक पैटर्न लिया पैटर्न, यहाँ से मैंने क्या किया, कौन सा है, यह है स्किन, ठीक है, स्किन कर दिया, स्किन को मैंने कर दिया 10% ऐसा कुछ देखना पड़ेगा यहाँ पे, एंड राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ठीक है। ये दोनों मेरे पास ग्रुप में है तो इन दोनों को मैंने ऑफ करके देखा, यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे, और देन मैंने इसको स्विफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे मैं करता हूँ तो बस यहाँ पे ये आ गया, सेम ही है मेरे पास ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ये सीमलेस अगर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो चीज़ें थोड़ा सा मुझे देखेंगे, बहुत पैटर्न वाइज चीज़ें नहीं होगा देखो यहाँ पे, तो अगर मैं देखना यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया मुझे बहुत छोटे करने पे कैसा आ रहा है देखो, अभी ये क्या होता है, ये जब तक मैं पेंट ही नहीं करूँ तो यहाँ पे चीज़ें बस बहुत बेटर नहीं देखेंगे यहाँ पे। मैं देखो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, तो लेदर है, लेदर ये भी है, ये मेटल है, ये आपका स्किन ही है, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, चेक करो। मुझे लगता है यहाँ पर मुझे देखने से अच्छा लग रहा है कि ये बहुत बेटर नहीं दिखने वाला, तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा, देखा कि भाई मुझे कुछ अच्छा मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं पे तो ऐसा ऐसे जब पैटर्न देखो ना, पैटर्न में कितना 10 है मैंने किया 100, तो अभी ऐसा है तो बहुत मज़ेदार नहीं है, क्योंकि ये जब तक ये कलर पैटर्न नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर चीज़ों को और बेटर, जैसे ये देखो ऐसा है ना, ये सही काम करेगा यहाँ पर, ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कौन सा कैसा दिख रहा है यहाँ पर, तो लिजार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें यहाँ पे कुछ और पैटर्न, पैटर्न वाइज आपको यहाँ पे चाहिए के लिए, जैसे ये है, ठीक है, 300, ये ठीक है, दिस इज़ गुड,
ये आपका सही काम कर जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे काम करता है, तो स्कैन यहाँ पे मैंने कर दिया। आप टेक्सचर की टेंशन नहीं लेना कि भाई टेक्सचर कितना छोटा कितना बड़ा है, आप उन चीज़ों को देखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ों को दिखेगा। क्या यहाँ पे गया, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अनलॉक एडिट पे गए एंड डिफाइन पैटर्न्स, ठीक है, और देन यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पैटर्न, सॉरी ये ले लिया मैंने। देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया मिल रहा है, मैंने कर दिया 20। फिर यहाँ पे कलर चेंज होता है ना, आप देखो ये आपका कलर चेंज है यहाँ पे, तो कलर चेंज में देखो, अब यहाँ पे देखो बीच का स्पॉट्स कैसे आ रहा है, ये दूर से दिख रहा है तो ये आपको इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं दिखेगा, ठीक है, दिख रहे हैं आप 50 किया, देखो कॉर्नर कॉर्नर पर लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो सीमलेस के नाम पर गलत है, आपको ये पता चलेगा सीमलेस टेक्सचर नहीं है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा आप क्रॉस चेक करके दे सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं बस सीमलेस का जो पैटर्न है वो कुछ अच्छा दिखना चाहिए, अच्छे पैटर्न पे आना चाहिए, और अगर आप इसको लेकर चलते हो ठीक है तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। एक और मैंने ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, एक और टेक्सचर लिया हम लोगों ने एडिट यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, अनलॉक कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एडिट एंड डिफाइन पैटर्न कर दिया यहाँ पे, अगर ये अच्छा आ जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको यहाँ पे फिर से कुछ पैटर्न आपको लेना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे ये दिस इज़ गुड, ये देख रहे आपके यहाँ पे, तो आप इसे 10-20 भी करोगे, नहीं है 30 भी करोगे, ओके, तो चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बेटर नहीं है, तो आई सजेस्ट कि दोस्तों आप यहाँ पे मैनेज करके दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप देखो कुछ अच्छे टेक्सचर निकालो, ऐसे कार्टूनिंग के अंदर इसकी ज़्यादा नीड नहीं होती है, कार्टूनिंग के अंदर आप नॉर्मल पेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, आप कुछ काम करो।